हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? जो मुझे लास्ट टॉपिक याद आ रहा है वो शायद MMR का था, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पढ़ा था हमने। कि कई बार क्या होता है कि बहुत जगह पे MMR का जिक्र आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था TDS के चैप्टर में, हमने थोड़ा सा एक झलक देखा था कि अगर EPF से आपको पैसा मिलता है, किसको मिलता है? एम्प्लॉय को मिलता है, और एम्प्लॉय ने अगर पैन फर्निश नहीं किया, पैन नंबर नहीं दिया, तो उसका TDS किस रेट से काटा जाएगा? उसका TDS काटा जाता था MMR से। सिमिलरली हमने हम ऐसे तो देखेंगे नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब भी आप फाइनल लेवल पे जाओगे तो आप पाओगे कि ट्रस्ट का एक चैप्टर आएगा, AOP BOI का एक चैप्टर आएगा, तो आप पाओगे कि AOP BOI के केस में भी कई बार क्या होता है, उनकी इनकम MMR पे टैक्स की जाती है। सिमिलरली अगर मैं बताऊँ आपको तो इन केस ऑफ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट भी कभी डिसॉल्व होता है और अपनी जो असेट हैं, मतलब ट्रस्ट तो वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, और अगर वो वेलफेयर के मतलब अपने काम को बंद बंद करके किसी तरीके से अपने असेट को कहीं और ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उस केस में उसको MMR पे टैक्स किया जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ोगे, फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो डिस्कशन में आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आप ये पूछो सर वाई MMR पढ़ाया मेरे को, ठीक है वाई MMR पढ़ाया, हाँ तो आपने MMR क्यों पढ़ाया, तो उसका मैंने आपको एक बताया, जिसमें से TDS वाला टॉपिक तो आपके सिलेबस में है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया था पिछली क्लास में। चलिए MMR के बाद आगे आज मुझे एक छोटा सा डिस्कशन लेना है। क्लास आज की छोटी होगी, शायद 1-1.5 घंटे के आसपास की, ठीक है, तो उसको आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाम है जिसका, अगर मतलब जो पेपर जो मैंने चैप्टर लिया है आपका पहला वाला बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें आपका वो नो डाउट कि जो स्लैब रेट्स हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी पर आपके जानने के लिए जरूरी थी, लेक्चर 2 इंपॉर्टेंट था और आज का लेक्चर भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ हमें पढ़ना है। मार्जिनल रिलीफ पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जो हमने पहले पढ़ी हैं उसको याद करना होगा। मैं बता दूं, मार्जिनल रिलीफ एक प्रकार का कंसेप्ट है, एक प्रकार की छूट है जो दी जाती है पर्संस को अगर उनके ऊपर सरचार्ज लगने लगता है, अगर उनके ऊपर सरचार्ज लगने लगता है। तो सबसे पहले सरचार्ज के रेट को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कितने बच्चे हमारे होनहार हैं जिनको कितना भी पढ़ाते रहो वो भूल जाते हैं, आज पढ़ाया कल गायब, आज पढ़ाया कल गायब, हिस्ट्री हो रखा है ना, वैसा हो जाता है इन लोग का। इसीलिए चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको कि क्या रेट थे सरचार्ज के। इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कि AJP, उनके केस में अगर टोटल इनकम उनकी 50 लाख रुपए से ज़्यादा थी लेकिन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं थी, तो 10% के रेट से लगता था सरचार्ज टैक्स के ऊपर, और 15% के रेट से लगता था अगर वही टोटल इनकम आपकी ज़्यादा है 1 करोड़ रुपये से, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़ से अगर ज़्यादा है तो वही सरचार्ज जो था वो 15% के रेट से लगने लगता था। मैं बता दूं, सबसे पहले टैक्स आता है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज और दोनों के ऊपर सेस लगा करता है, ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी। फिर आगे चलते हैं, हमने फिर देखा कि इन केस ऑफ कंपनी सरचार्ज का जो रेट है वो डोमेस्टिक कंपनी के केस में कुछ अलग है और फॉरेन कंपनी के केस में कुछ अलग हुआ करता है। मैं बताऊं जरा, डोमेस्टिक कंपनी किसे कहेंगे, एक आपका डिस्कशन आएगा छोटा सा, मैं बता दूं चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन आप पाओगे, इसीलिए मैं आपका वो मतलब टॉपिक यहीं ले लेना चाहता हूं कि डोमेस्टिक कंपनी कहते किसे हैं। देखो बेटा, डोमेस्टिक कंपनी में वो कंपनी जो एक इंडियन कंपनी है वो तो आती ही है, साथ ही साथ एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसने किसी प्रकार का अरेंजमेंट कर रखा है इंडिया में डिविडेंड देने का। अगर किसी कंपनी को जो कि यहां की नहीं है फॉरेन की है, उसे अगर इंडिया में डिविडेंड देना पड़ता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं, क्योंकि एक डोमेस्टिक कंपनी को DDT या CDT यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या फिर कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जिसे बोलते हैं वो पे करना पड़ता है। आप पढ़ोगे पूरा डिविडेंड का एक चैप्टर है अदर सोर्सेज नाम के चैप्टर में, ठीक है, उसमें पूरा डिविडेंड का डिटेल में डिस्कशन है, CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या फिर DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाम का, वो आपको डिटेल में पढ़ना है वहां पर
तो ऐसी कोई कंपनी जो कि एक इंडियन कंपनी है उसको भी डोमेस्टिक बोलेंगे, और इसके अलावा कोई ऐसी फॉरेन कंपनी जो यहाँ की तो नहीं है लेकिन उसने किसी प्रकार का अरेंजमेंट कर रखा है इंडिया में डिविडेंड देने का, तो उस केस में उसको भी हम क्या बोल के चलते हैं, उसको भी हम क्या बोल के चलते हैं, उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी बोलकर चलते हैं। और डोमेस्टिक कंपनी पर अगर उनका टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो 7% लगेगा, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा TI है तो 12% के रेट से सरचार्ज लगाया जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी 2% के रेट से सरचार्ज लगाया जाएगा अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और 5% लगाया जाएगा अगर उनकी इनकम कितनी है 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। ऐसा फॉरेन कंपनी के केस में कम क्यों? क्योंकि उनका नॉर्मल टैक्स रेट ही बहुत ज़्यादा है, 40% के रेट से फ्लैट 40% का टैक्स लगता है इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी और 30% का टैक्स लगता है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो जो डोमेस्टिक कंपनी है उस पर टैक्स रेट तो कम है लेकिन सरचार्ज का रेट हाई कर दिया गवर्नमेंट ने, और इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी उस पर टैक्स रेट ही अपने में बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर सरचार्ज का रेट थोड़ा रियायती दर से रखी गई है। बात समझ में आती है। फिर हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। सोसाइटी केस में अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% के रेट से सरचार्ज लगेगा, ऐसा हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा फर्म के केस में क्या, LLP के केस में क्या, लोकल अथॉरिटी केस में क्या, वहाँ पे भी सेम था कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर 12% के रेट से सरचार्ज लगाएगा, ठीक है, लगाया जाएगा। ये हमने सरचार्ज के रेट को रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं मार्जिन रिलीफ की। आखिर सर आपने मार्जिन रिलीफ पढ़ाने से पहले सरचार्ज रिवाइज क्यों कराया? क्योंकि मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट तभी आता है जब कभी सरचार्ज लगने लगे, ठीक है। अगर किसी पर्सन की इनकम जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं सरचार्ज के लिए उससे ऊपर जाने लगे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और उसी समय आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या इस पर्सन को मार्जिनल रिलीफ मिल सकती है क्या, क्या इस पर्सन को मार्जिन रिलीफ मिल सकती है क्या। तो पहली बात, हमें मार्जिन रिलीफ लगाते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि क्या असेसी को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये कि अगर असेसी को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा तो कितने हद तक मिलेगा, किस अमाउंट की मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी, ये दो चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और दूसरा अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट के बारे में हमें सोचना ही कब है, सोचना तब है जब असेसी के केस में सरचार्ज लगने लगे। अगर सरचार्ज लगने लगे तो एक बार के आपके दिमाग में क्लिक जरूर होना चाहिए कि क्या इसको मार्जिन रिलीफ मिल सकता है। फिर आप देखोगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये दो क्वेश्चन हमें देखना है। वो हम समझ पाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स टेकअप करेंगे तो ही हमें वो बातें समझ में आएंगी, ठीक है। सुनेगा, कहते हैं इट इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी, सबको मिलेगा जहां पर भी सरचार्ज इज अप्लीकेबल, वेयर एवर सरचार्ज इज अप्लीकेबल, मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट वहां पर आएगा ही क्या? नहीं नहीं नहीं, आ सकता है, आ सकता है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट यहां पर अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा, वी हैव टू चेक, पढ़ते हैं वो तो क्वेश्चन को समझ में आएगा। वी हैव टू चेक मार्जिन रिलीफ कंसेप्ट व्हेन TI इज लिटिल बिट हायर देन 50 लाख इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP 1 करोड़ इन केस ऑफ ऑल अदर SSC 10 करोड़ इन केस ऑफ कंपनी। ये कहते हैं कि जब भी किसी पर्सन की इनकम, मैं सीधी सी बात बोलूं, सरचार्ज के लिए जो बताई हुई लिमिट्स हैं, सरचार्ज के लिए जो बताई हुई थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, अगर उससे किसी पर्सन की इनकम लिटिल बिट हायर होती है, क्या बोला मैंने, लिटिल बिट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल बिट, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिटिल बिट, कि अगर किसी पर्सन की इनकम जो भी सरचार्ज के लिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, यानी 50 लाख, 1 करोड़, कहीं पे 50 लाख, कहीं पे 1 करोड़, कहीं पे 10 करोड़ भी है इवन, ठीक है, तो अगर उस लिमिट से लिटिल बिट हायर है, थोड़ी सी ही ज़्यादा है, तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा ही आएगा। क्या बोला मैंने, आएगा ही आएगा। पहली बात, अगर सरचार्ज लगने लगे किसी असेसी के केस में तो आपको सोचना है एक बार को कि क्या मार्जिनल रिलीफ लग सकता है क्या। इसका आंसर अभी ये नहीं है कि लगेगा ही या नहीं लगेगा। कब ये पता चलेगा कि लगेगा ही, इसका आंसर आपको ये देख के पता करना पड़ेगा कि क्या असेसी की इनकम जो भी सरचार्ज के लिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है उससे लिटिल बिट हायर है क्या, थोड़ी सी ही ज़्यादा है क्या। अगर थोड़ी सी ही ज़्यादा है तो फिर उस केस में डेफिनेटली मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट लगेगा,
डेफिनेटली लगेगा। अब बात होती है कि मार्जिन रिलीफ मिलेगी तो कितने रुपए की मिलेगी, रिलीफ वो राहत वो रियायत वो कितने रुपए की दी जाएगी, उसका हमें कंप्यूटेशन करना है। आखिर किस बात के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हम, यही तो करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। हमें मार्जिन रिलीफ की कंप्यूटेशन करना है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आई बात, मार्जिन रिलीफ कॉन्सेप्ट कब अप्लीकेबल हो सकता है, जब भी कभी किसी भी एसएससी के केस में सरचार्ज लगने लगे तो मार्जिन रिलीफ कॉन्सेप्ट आ सकता है। कब आएगा ही आएगा, अगर किसी पर्सन की इनकम सरचार्ज के लिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से थोड़ी सी ही ज़्यादा है, लिटिल बिट हायर है, तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ डेफिनेटली आएगा। कितने अमाउंट का आएगा वो हम अभी पता करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आती है, सुनिएगा, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्या एग्जाम्पल है, एक एस लिमिटेड है, वो एक इंडियन कंपनी है। जैसे हमने पढ़ा एस लिमिटेड यानी कि एक कंपनी है, और बताओ इंडियन, अगर ये इंडियन कंपनी है तो डोमेस्टिक है या फॉरेन है, ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी केस में टैक्स रेट कितना था, 30% का। सरचार्ज का रेट कितना था, अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7%, और अगर इनकम आपकी 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज वहां पर था। अब यहां पे लिखा हुआ है कि उनकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, यानी 1 करोड़ से लिटिल बिट हायर है, लिटिल बिट हायर है कि नहीं है, है तो बिल्कुल साहब, पहली बात 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या मार्जिन रिलीफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि सरचार्ज अप्लीकेबल है तो आ सकता है। अब बात करते हैं क्या आएगा ही आएगा, इसका आंसर क्या है कि क्या इनकम लिटिल बिट हायर है जो सरचार्ज के लिए प्रिस्क्राइब लिमिट है, सरचार्ज के लिए प्रिस्क्राइब लिमिट है 1 करोड़, और हाँ इनकम जो है वो 1 करोड़ 1 लाख है, इट मीन्स कि जो इनकम है वो आपकी लिटिल बिट हायर है, डेफिनेटली मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा। कितने अमाउंट का आएगा चलिए वो पता करने चलते हैं। इसके लिए सरकार ने एक मेथड दिया है, मैं बताऊं असल में होता क्या है, जब किसी पर्सन की इनकम, आखिर ऐसा सिचुएशन आया ही क्यों, किसी भी लॉ को लाने के पीछे, किसी भी नियम को बनाने के पीछे एक कारण होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव समझना बड़ा जरूरी है। आखिर ये नियम आया तो आया क्यों, क्या कारण था, मैं बताता हूं। अगर किसी पर्सन की इनकम लिटिल बिट हायर होती है जो प्रिस्क्राइब लिमिट है सरचार्ज के लिए, तो उसके ऊपर सरचार्ज लग जाता है। सरचार्ज किस अमाउंट पे लगता है, टैक्स के ऊपर, बताया मैंने, टैक्स के ऊपर सरचार्ज, और दोनों के ऊपर सेस, ठीक है ना, ऐसा पढ़ा आपने, तो टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है। वो सरचार्ज लगने से कई बार क्या होता है, टैक्स इतना बढ़ जाता है कि वो जितनी एक्सेस इनकम है उससे को भी पार कर जाता है, उससे भी ज्यादा हो जाता है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, ये लॉ पढ़ रहे हो आप, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी भूगोल नहीं है कि कुछ और वर्ड भी चलेगा तो मतलब तो वही निकलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कॉमा प्लूरल सिंगुलर एक एक चीज का ध्यान रखना है आपको, तो मेरी बात सुनते रहना। यहाँ पे एक्सेस वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा, उस एक्सेस वर्ड पे ध्यान देते रहना, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो क्या कहा मैंने, अगर किसी पर्सन की इनकम थोड़ी सी ज्यादा है सरचार्ज के लिए जो लिमिट प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे थोड़ी सी ज्यादा है, तो उस केस में उस पर्सन के ऊपर लगता है सरचार्ज, सरचार्ज लगता है टैक्स के अमाउंट के ऊपर, और कई बार क्या होता है वो सरचार्ज जो होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि जो एक्सेस इनकम आपने कमाई है, उस इनकम से भी ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सरकार कहती है कि साहब, मतलब जनता को तकलीफ हुई कि साहब ये क्या, मतलब मैंने 1 लाख रुपए ज्यादा क्या कमा लिए, जैसे हमारे केस में 1 करोड़ 1 लाख था, हमने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्या कमा लिए 1 करोड़ से, आपने मेरे पर इतना टैक्स का बर्डन दे दिया कि मतलब वो तो 1 लाख रुपए जितना मैंने ज्यादा नहीं कमाया उससे ज्यादा आप टैक्स ले रहे हो। आप ये बताओ, सरकार से जनता ने क्वेश्चन पूछा, आप बताइए मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना है, सरकार ने कहा सब गिना दिया उन्होंने कहा इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजीपी इनके केस में 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख के ऊपर जो था वो आपका 5% से था, फिर 20% से था, फिर आपका 30% था, तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजीपी के केस में मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है 30% का, और उसके बाद लोकल अथॉरिटी पार्टनरशिप फॉर्म के केस में 30% का, कंपनी के केस में 30% का, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 40% का। उन्होंने कहा अच्छा बताइए एमएमआर कितना था, उन्होंने कहा एमएमआर का भी अगर रेट लें तो सबसे मैक्सिमम रेट था 43.68%। मैं दिखा देता हूं, देखिए
ये है मैक्सिमम मार्जिन रेट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी के केस में ही सबसे ज़्यादा हाई है MMR, वो है आपका 43.68%. उन्होंने कहा आप ये बताओ, आप खुद ही बताओ सरकार साहब, आप ही बताओ मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स आप कितना लेते हो. सरकार ने कहा देखिए अगर पूरे एक्ट में खोज लेना तो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स तो भैया मुझे 43.68 से ज़्यादा नहीं मिलता. ठीक है, ये टैक्स की बात हो रही है, पेनल्टी वेनल्टी मत सोचना उसमें. ठीक है, पेनल्टी का कई जगह जिक्र आएगा वहाँ पे, मतलब पूछो मत, 300% पेनल्टी ले लेते हैं. ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, टैक्स की बात कर रहा हूँ. तो टैक्स का रेट तो मैक्सिमम कितना है, 43.68%, इससे ज़्यादा तो नहीं है. तो फिर आप मेरे ऊपर उन सरचार्ज के लगा देने से सब 200% 300% टैक्स आने लगता है. ठीक है ना, एक्सेस इनकम के 200% 300% हायर टैक्स आने लगता है. उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए जनता को तकलीफ हुई, सरकार के पास पहुंची जनता और पूछने लगी सरकार बताइए इसका क्या उपाय किया जाए. आपने सरचार्ज का कंसेप्ट बनाया अमीरों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अमीर लोग ही पहुंचे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सरचार्ज छोटे को इसमें तो लगता नहीं, अमीर लोग ही पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि टैक्स इतना इतना टैक्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे. बात समझ में आती है, अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो हम टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे और फिर सरकार के पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा. तो सरकार ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं कर सकते, लॉ को डिफीट नहीं होने देना है. उस केस में उन्होंने क्या कहा, मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट ले आए. वो क्या कहा उन्होंने, देखिए साहब उन्होंने कहा हम आपको एक मेथड बताते हैं, आपको एक रियायत दी जाएगी अगर आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम सरचार्ज के लिए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, सरचार्ज के लिए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है और थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके ऊपर सरचार्ज आ रहा है, और उस सरचार्ज के लगने से, ध्यान से सुनना, उस सरचार्ज के लगने से अगर आपके ऊपर टैक्स का बर्डन इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि आपके ऊपर, आपके ऊपर जो आपने एक्सेस इनकम कमाई है उससे भी ज़्यादा आपको अमाउंट में टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको हम एक रियायत देंगे. उस रियायत को हम बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ, उस रियायत को हम बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ. ठीक है, अब वो मार्जिनल रिलीफ कैसे दिया जाएगा वो देखिएगा. सबसे पहला सरकार ने कहा, मैं बताऊँगा आपको स्टेप वाइज स्टेप. स्टेप वन, आप क्या कीजिए, एक्चुअल इनकम जो आपकी है, ठीक है ना, एक्चुअल इनकम यानी जिसमें आपकी एक्सेस इनकम जुड़ी हुई है, मतलब इंक्लूडिंग एक्सेस इनकम, इसको आप लीजिए और इस पे निकालिए नॉर्मल टैक्स. बात समझ में आती है, उन्होंने कहा इस पे निकाल लीजिए नॉर्मल टैक्स, ये आ गया. ठीक, अब क्या कीजिए, स्टेप टू लीजिए. उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप लीजिए एक्सेस इनकम को छोड़ के, मतलब रेजिडुअरी इनकम बोल लीजिए, ठीक है ना, रेजिडुअरी इनकम यानी कि एक्सक्लूडिंग एक्सेस इनकम. एक्सेस इनकम किसे बोल रहा हूं, वो इनकम जो आपने सरचार्ज के लिए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा कमाई है, उसको मैं बोल रहा हूँ एक्सेस. तो उस एक्सेस को निकाल दीजिए और जो इनकम बच रही है उस इनकम पे आप निकाल लीजिए नॉर्मल टैक्स. ठीक है, बस समझ में आती है, उस इनकम पे निकाल लीजिए आप नॉर्मल टैक्स. अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का ले लीजिए आप डिफरेंस. ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को आप कंपेयर कीजिए. ठीक है ना, कंपेयर कीजिए स्टेप थ्री में. एक काम कीजिए, स्टेप थ्री में डिफरेंस ले लीजिए और अब स्टेप फोर में ये जो डिफरेंस आपने निकाला है, डिफरेंस इन स्टेप थ्री, जो स्टेप थ्री में आपने डिफरेंस निकाला है इसको कंपेयर कीजिए. कंपेयर कीजिए किससे, कंपेयर कीजिए इससे, इसको कंपेयर कीजिए एक्सेस इनकम से. एक्सेस इनकम से, और अगर अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, क्या क्या ये हो सकता है कि जो डिफरेंस है वो ज्यादा है एक्सेस इनकम से. एक्सेस इनकम से डिफरेंस ज़्यादा है, और एक हो सकता है कि जो डिफरेंस है वो एक्सेस इनकम से ज़्यादा नहीं है. एक्सेस
इनकम से ज़्यादा नहीं है। अगर डिफरेंस एक्सेस इनकम से ज़्यादा है तो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर आउट है कि आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा। और यहाँ पे अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। सॉरी साहब, आपको किसी प्रकार का मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है, मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर डिफरेंस आपका एक्सेस इनकम से ज़्यादा है तो मार्जिन रिलीफ मिलेगा, और अगर आपका डिफरेंस एक्सेस इनकम से ज़्यादा नहीं है तो मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आपको समझ में आया, ये तो मैंने लिखा प्रोसीजर वाइज, लेकिन इसका मतलब क्या जा रहा है आप समझ रहे हो? उन्होंने कहा एक्चुअल इनकम पे एक्चुअल टैक्स निकाल लीजिए, यानी कि जितना कमाया है उस पर नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए, जो हमने नॉर्मल प्रोविजन दिए हैं उसके हिसाब से, यानी सरचार्ज और चार्ज लगा के अब देख लीजिए कितना आया। अब कहते हैं कि वो जो एक्सेस इनकम आपने कमाया उसको छोड़ दो, आप मान लो कि वो एक्सेस इनकम आप नहीं कमाते तो फिर आपको कितना टैक्स देना पड़ता, आप वो निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है कि भैया आपको कितना एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, उस एक्सेस इनकम की वजह से, उस एक्सेस इनकम की वजह से आपको कितना डिफरेंस, मतलब कितना एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उस एक्सेस इनकम की वजह से कितना एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये है वो डिफरेंस। अब वो कहते हैं कि अगर ये एक्सेस टैक्स जो है वो आपकी एक्सेस इनकम से ज्यादा है तो फिर मार्जिनल रिलीफ मिलना तय है, मार्जिन रिलीफ मिलना तय है। अब कितना मिलेगा वो देखना है कि कितना मिलेगा आखिर मार्जिनल रिलीफ, वो पता करना है। तो वो क्या कहते हैं सुनिएगा, सरकार ने कहा हम कुछ ऐसे प्रोसीड करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आपको कि मार्जिन रिलीफ मिलेगा या नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि मतलब वेदर मार्जिनल रिलीफ विल बी अवेलेबल, वेदर मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट इज अवेलेबल, अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब बात करते हैं कि होगा तो कितना होगा, कब होगा, जब ज्यादा होगा, समझ गए ना, कब होगा, जब आपकी इनकम जो है, मतलब जो एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको वो एक्सेस इनकम से ज्यादा है, एक्सेस टैक्स इज ग्रेटर देन एक्सेस इनकम, तब मिलेगा मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ कब मिलेगा, जब एक्सेस इनकम पे जो टैक्स निकाला है आपने, यानी एक्सेस टैक्स जो आपको पे करना पड़ रहा है एक्सेस इनकम की वजह से, वो एक्सेस इनकम से ज्यादा है तो मिलेगा। अब बात होती है कितना मिलेगा, उसको देखना है हमें। तो देखिए कितना मिलेगा, सरकार क्या कहती है, नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए, उन्होंने कहा एक्चुअल इनकम पे, एक्चुअल इनकम जो आपकी है उस पे एक्चुअल टैक्स निकाल लीजिए, यानी कि इसमें एक्चुअल टैक्स निकाल लीजिए, ठीक है। अब कहते हैं रेजिडुअल इनकम जो है, रेजिडुअल यानी कि उस पे आप नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए, नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए, बात समझ में आती है, रेजिडुअल इनकम पर नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए, बात समझ में आती है। अब बात करते हैं इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, जो पहले किया था हमने, डिफरेंस ले लीजिए, ये क्या है, एक्सेस टैक्स है, एक्सेस टैक्स पे करना है आपको, ठीक है, एक्सेस टैक्स पे करना है। अब ये एक्सेस टैक्स को कंपेयर कर रहे थे हम लोग पिछले तक, वहां तक, ठीक है, एक्सेस टैक्स को कंपेयर कर रहे थे, किससे कंपेयर कर रहे थे, एक्सेस इनकम से। अगर एक्सेस टैक्स आपका एक्सेस इनकम से ज्यादा है तो फिर मिलेगा एक्सेस इनकम से, और ये आंसर अगर ऐसा आता है तो फिर आपको मार्जिन रिलीफ मिलता था, मिलता था, ठीक है, मिलेगा साहब। कितना मिलेगा वो कैसे पता चलेगा, वो कहती है सरकार के पास लोग पहुंचे तो लोगों ने कहा सरकार देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, सरकार ने कहा एक काम करो, एक काम करो, आप हमें ना, मान लो आपकी इनकम 51 लाख रुपए की है तो आप इसको दो भाग में बांटो, ठीक है, पहला 50 लाख और दूसरा एक्सेस इनकम जो है 1 लाख, ठीक है, एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, आप बताओ इंडिविजुअल को 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है, बिल्कुल सरचार्ज लगता है, तो मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। मार्जिन रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको पता करने का एक तरीका है, लेकिन अभी उसको पेंडिंग लगाते हैं क्योंकि मिलेगा इस केस में, मैं बता देता हूं, उसको अभी पेंडिंग लगाते हैं क्योंकि उसको डिस्कस करने चलेंगे तो जो बताना है वो छूट जाएगा। सुनो आप मेरी बात, सुनो
वो पिछला वाला मेथड जो अभी बताया मैंने, मिलेगा नहीं मिलेगा एक्सेस इनकम पे एक्सेस टैक्स, और एक्सेस इनकम जो है उसको कंपैरिजन करना है, वही वाली बात है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 50 लाख रुपए कहते हैं इस पे हमको दे दीजिए नॉर्मल टैक्स, और ये पूरा पूरा 100% ऑफ एक्सेस इनकम मुझे दे दीजिए एज ए टैक्स, एक्सेस इनकम। मोदी जी क्या कहते हैं कि मुझे इस 50 लाख पे नॉर्मल टैक्स दे दीजिए, और ये जो पूरी कमाई इनकम है ना ये पूरा दे दीजिए, इतना टैक्स हमको दे दीजिए, हम शांत हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा ये तो नाइंसाफी है। नहीं नहीं साहब, ये नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा नाइंसाफी होती है जब नॉर्मल तरीके से कंप्यूटेशन होती है। ठीक है, जब नॉर्मल तरीके से कंप्यूटेशन होती है इससे ज्यादा नाइंसाफी होती है, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। इसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा ये जो हमने अभी वापस आते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर, वो जो एग्जाम्पल टेकअप करना था उसको हमको देखना पड़ेगा। इसी को ले लेते हैं, एस लिमिटेड है उसकी, एस लिमिटेड है एक इंडियन कंपनी है यानी डोमेस्टिक कंपनी है, उसकी इनकम ले लेते हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। अब इसको टेकअप करते हैं यहीं पे। ठीक है, एक्सेस मतलब टोटल इनकम कितनी है, मतलब एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख रुपए की। इस पे निकालेंगे हम नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स निकालना है हमें। तो ये बताओ कंपनी है किस रेट से टैक्स लगेगा, 30% से टैक्स लगेगा, ये आएगा 30,30,000 रुपीज। क्या सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा, और किस रेट से लगेगा, एट द रेट ऑफ 7%, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 7% से लगेगा 30,30,000। ये आता है 2,12,100 रुपए। इसको कर लीजिए टोटल, टोटल कर लीजिए, और ये आता है आपका 32,42,100 रुपए। ये आता है एक्चुअल इनकम पर एक्चुअल टैक्स, कितना आता है एक्चुअल इनकम पर एक्चुअल टैक्स। अब आप कहोगे सर इसमें सेस जोड़ 4%, नहीं, पहले मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट देते हैं, फिर उसके बाद सेस सबसे अंत में जोड़ेंगे। ठीक है, कहां तक चलना है हमें, सरचार्ज तक चलना है, सरचार्ज तक चलना है, उसके बाद क्या मिलेगा इनको, मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फाइनली जाके हमें क्या होगा, सेस जोड़ना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेस जोड़ना पड़ेगा एट द एंड। तो यहीं पे रुकना है, ये है आपका एक्चुअल इनकम पर एक्चुअल टैक्स। अब मैं बात करता हूं कि अगर इनकी इनकम मतलब इस कंपनी की इनकम करोड़ मतलब 1 करोड़ करेक्ट होती, करेक्ट 1 करोड़ होती, 1 करोड़ 1 लाख नहीं होती। ठीक है, तो हम यहां पे कहेंगे कि अगर इनकम, इफ इनकम ऑफ एस लिमिटेड वुड हैव बीन 1 crore, मतलब सिर्फ 1 करोड़ होती तो फिर टैक्स लाइबिलिटी क्या होती उसको देखने चलते हैं। देखिए साहब, तो हम लिखते हैं 1 करोड़ पे 30% के रेट से टैक्स, ये आता आपका 30 लाख रुपीज का, 30 लाख रुपीज का टैक्स आता। इसमें हम क्या करते, सरचार्ज लगता क्या, सरचार्ज, आंसर इज नो, सरचार्ज नहीं लगता, क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। तो आपकी इनकम कितनी आती, 30 लाख रुपीज की ही, मतलब कितना टैक्स आता आपका, 30 लाख रुपीज का ही आता टोटल टैक्स। यहां पे टोटल टैक्स, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। मैंने क्या कहा, पहले एक्चुअल इनकम पे एक्चुअल टैक्स निकाल लो, फिर एक्सेस इनकम को छोड़ के बची हुई इनकम पे टैक्स निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब देखो ये क्या है, ये है आपका एक्सेस टैक्स, आपको एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है। कितना एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो 2,42,100 रुपीज का एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है। किसकी वजह से, किसकी वजह से, कितनी एक्स्ट्रा इनकम की वजह से, मात्र 1 लाख रुपीज की एक्स्ट्रा इनकम की वजह से आपको पे करना पड़ रहा है 2,42,100। बताओ ना साहब कितने परसेंट का एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है, 142% का टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं हो रही, हो रही है साहब, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो अब बताओ क्या एक्सेस टैक्स एक्सेस इनकम से ज्यादा है, बिल्कुल एक्सेस टैक्स एक्सेस इनकम से ज्यादा है। तो क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मार्जिनल रिलीफ आपको
क्या मार्जिन रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा उसका प्रोसीजर क्या बताया गवर्नमेंट ने? उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, 1 करोड़ 1 लाख को कुछ ऐसे लिखिए, 1 CR + 1 लाख रुपीज ऐसे लिखिए, 1 करोड़ पे हमको नॉर्मल टैक्स दे दीजिए, ठीक है, और ये इनकम जो है ये हमको 100% ऑफ एक्सेस इनकम हमको दे दीजिए, एक्सेस इनकम हमको आप टैक्स के रूप में दे दीजिए, यानी कि इस पे हम कितना दें, इस पे हम कितना दें तो 30 लाख रुपीज देंगे, ठीक है, इसको कितना देंगे, ये पूरा 1 लाख रुपया दे देंगे हम, ये पूरा 1 लाख दे देंगे। अब ये टोटल टैक्स कितना बनेगा, 31 लाख रुपए का, 31 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। अब बताइए, अब फाइनली इस पे हम जोड़ेंगे सरचार्ज, जोड़ेंगे क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सरचार्ज के चक्कर से तो बचने के लिए इतना नौटंकी हुआ है, ठीक है, और आपकी इनकम 1 करोड़ ज्यादा अब नहीं मानी जा रही है, ठीक है, वो यहां पे किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, सरचार्ज इसमें एडवर्ड नहीं होना, अब इसमें अब हम जोड़ेंगे सेस, सेस एट द रेट ऑफ 4% जोड़ेंगे। बताइए साहब, 31 लाख का 4% 1,24,000 रुपए टोटल कीजिए, तो ये आता है 32 लाख 32,24,000 रुपीज, ये आता है आपका टोटल टैक्स, ठीक है, नेट टैक्स पेबल, फाइनल टैक्स पेबल। इतना आपको अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो कितना पे करना पड़ता, 32,42,100, बात समझ में आती है, 32,42,100, वो भी बिना सेस के, उसमें भी अभी सेस जुड़ता, अभी सेस जुड़ता, हमने डिस्कशन कहां तक लिया, सेस चार्ज तक लिया। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो यहां पे करना है, ठीक है, कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता मार्जिन रिलीफ का, एमआर का कॉन्सेप्ट नहीं होता मार्जिन रिलीफ का, तो गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ता, 32,42,100, और चूंकि गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया मार्जिन रिलीफ का, अब कितना पे करना पड़ेगा, 31 लाख। तो ये बताइए, जो बेनिफिट आपको मिला है वो कितने का है, यानी एमआर मार्जिन रिलीफ कितने का है, 32,42,100 माइनस 31 लाख रुपए, ये आपका आता है 1,42,000, एक सेकेंड, 1,42,100 रुपए का मार्जिन रिलीफ आपको मिल रहा है, 1,42,100 रुपए का मार्जिन रिलीफ मिल रहा है आपको। अब बात होती है, सर पेपर में प्रेजेंट कैसे करेंगे, पेपर में प्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए साहब, पेपर में आप प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि आप करेंगे एक्चुअल इनकम लिखेंगे, एक्चुअल इनकम लिखेंगे 1 करोड़ 1 लाख रुपए, ठीक है, इस पे आप निकालेंगे एक्चुअल टैक्स, एक्चुअल टैक्स कितना, 30,30,000 रुपीज, इस पे आप ऐड करेंगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 7%, कितना आएगा, ये कितना आया था, 2,12,100 रुपए टोटल कर लेंगे इसका, आप लिखेंगे टोटल टैक्स, टोटल टैक्स कितना, 32,42,100 रुपीज, इतना। अब यहां पे आप लिखेंगे लेस मार्जिनल रिलीफ, जो आपको अभी नहीं पता होगी, ठीक है, फिर आप यहां लिखेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी बिफोर, बिफोर सेस, ठीक है, ये आ जाएगा समथिंग समथिंग, फिर उसमें आप ऐड करेंगे सेस एट द रेट ऑफ 4% का, वो भी आपको नहीं पता अभी, और ये आपका बनेगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स पेबल, ठीक है। अब इस मार्जिन रिलीफ का आप लिखेंगे वर्किंग नोट, इस मार्जिन रिलीफ का आप लिखेंगे वर्किंग नोट, वो वर्किंग नोट आपका बनेगा, साइड में बना देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे आप क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, आप यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ की आप कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि एक्सेस इनकम को छोड़ के टैक्स निकालिए, आप क्या लिखेंगे, इफ इनकम वुड हैव बीन, इफ इनकम ₹1 CR ओनली, तो टैक्स कितना आता, ठीक है, इनकम लिखेंगे आप, ओह
इनकम लिखेंगे आप 1 करोड़, टैक्स लिखेंगे आप इस पे नॉर्मल टैक्स कितना आता तो 30 लाख रुपीस का, कोई सरचार्ज ऐड होता क्या? नहीं साहब, नहीं होता। तो फाइनल टैक्स मतलब लायबिलिटी कितनी बनती, टैक्स पेबल, टैक्स पेबल आपका बनता 30 लाख रुपीस, सरचार्ज नहीं आता तो 30 लाख रुपीस ही आपका क्या बनता, टैक्स पेबल बनता, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिन रिलीफ कर रहे हैं, इतना बनता। अभी आपका कितना आया है, ठीक है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी लिखेंगे आप, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई है, देखिए ये भी बिफोर सेस है, अभी सेस नहीं ऐड किया मैंने, तो इधर का भी कौन सा अमाउंट लेना है, बिफोर सेस वाला। देखिए अभी यहां पे क्या है, 7% जोड़ा मैंने, 7% जोड़ा, लेकिन अभी इसमें सेस नहीं जोड़ा, ठीक है। तो यहीं तक है, ये वाला लेना है आपको कि एक्चुअल टैक्स कितना आ रहा है, एक्चुअल टैक्स कितना आ रहा है, 42 100 आ रहा है, ठीक है। प्रोविजन क्या कहता है कि हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, कहते हैं 1 करोड़ पे नॉर्मल यानी 30 लाख और 1 लाख पे एक्स्ट्रा कितना, 1 लाख पे कितना, 100%, ठीक है। तो ये कितना होता है, 30 लाख और ये 31 लाख, इतना पे करना पड़ेगा, 31 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो 31 लाख रुपीज़ से जितना एक्सेस पे करना पड़ रहा है यही मार्जिनल रिलीफ है, यानी कि 1 42 100 का मार्जिन रिलीफ है। अब थोड़ा सा गलत तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है, एक सेकेंड, मतलब आपको समझाने के लिए थोड़ा वैसे लिख दिया, पेपर में ऐसे नहीं लिखना, एक सेकेंड रुकिए। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम अगर 1 करोड़ होता तो इतना आता, इतना टैक्स आता, लेकिन इतना टैक्स आता, ठीक है, यानी सरचार्ज नहीं लगता। अब क्या कहती है गवर्नमेंट, लेकिन अभी इनकम कितनी है, इनकम क्या है, एक्चुअल इनकम कितनी है, एक्चुअल इनकम है 1 करोड़ प्लस 1 लाख रुपीस। गवर्नमेंट इस पे लेगी नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स यानी 30 लाख रुपीस, और इस पर लेगी 100% ऑफ एक्सेस इनकम, अरे सॉरी, एक्सेस इनकम। तो ये हो जाएगा आपका 30 लाख प्लस 1 लाख, टोटल 31 लाख, ठीक है। अब क्या कहोगे कि अभी एक्चुअल कितना टैक्स आ रहा है, एक्चुअल टैक्स अभी कितना आ रहा है, तो 32,42,100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1,42,100, यही आप लिखोगे मार्जिन रिलीफ में, ये आएगा आपका वर्किंग नोट में, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिन रिलीफ, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां पे आप लिखोगे कितना का रिलीफ, 1,42,100, इसको घटा के कितना आएगा, 31 लाख रुपीज, 31 लाख रुपीज में आप ऐड करोगे सेस, तो कितना आएगा, सेस ऐड करोगे तो 1,24,000 रुपए आएगा, टोटल आएगा 32,24,000 रुपए, ठीक है, बात समझ में आती है। ये आपका बनेगा फाइनल टैक्स पेबल, फाइनल टैक्स पेबल, फाइनल टैक्स पेबल बनेगा, बात समझ में आती है क्या। देखिए मार्जिन रिलीफ कितना आया हुआ है, 1,42,100, और फाइनल टैक्स पेबल कितना आया हुआ है, 32,24,000 रुपए, वही चीज आया। फिर से बताता हूँ प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सबसे पहले एक्चुअल इनकम रखेंगे आप, फिर आप उस पर एक्चुअल टैक्स निकाल लेंगे, सॉरी, फिर आप उस पर एक्चुअल टैक्स निकाल लेंगे, फिर आप उस पर उसमें सरचार्ज ऐड कर देंगे, एक्चुअल टैक्स निकाल लेंगे, उस पर सरचार्ज ऐड कर देंगे, यहाँ पे आके टोटल बनेगा, यही रुकना है, सेस नहीं ऐड करना, ठीक। अब उसमें से आप लिखेंगे कि लेस करता हूँ मैं मार्जिन रिलीफ, अब बनेगा नेट, उसमें ऐड करेंगे सेस, ये बनेगा फाइनल टैक्स पेबल। ये सारा अमाउंट जितना लाल पेन से लिखा है वो मुझे नहीं पता होगा, उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिन रिलीफ। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, और सिंपल प्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हो, एक और सिंपल प्रेजेंटेशन अगर मैं बताऊँ तो इसकी जगह आप ऐसे कर सकते हो, सीधा आप ऐसे लिखो, ठीक है, यही चीज आप डायरेक्ट लिखिए,
कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिन रिलीफ लिखिए, कहिए एक्चुअल इनकम कैसी है, 1 करोड़ है। एक्चुअल इनकम कैसी है, 1 करोड़ है। 1 लाख क्या है, एक्सेस इनकम है। इस पे हम देंगे नॉर्मल टैक्स, इस पे हम देंगे 100% ऑफ एक्सेस इनकम, ये आएगा 30 लाख रुपीज़, ये आएगा 1 लाख रुपीज़, इतना हमारा टैक्स बनेगा। टोटल टैक्स बनेगा 31 लाख रुपये, ठीक है। अभी कितना टैक्स एक्चुअली देना पड़ रहा है, अभी देखिए इसमें भी हमने सेस ऐड नहीं किया है, सेस ऐड करने के पहले सब कुछ करना है, 32, 42, 100। तो डिफरेंस कितना आएगा, मार्जिन रिलीफ 1, 42, 100। फिर ये 1, 42, 100 को हम उठा के कहाँ ले जाएंगे, इस 1, 42, 100 को उठा के हम ले जाएंगे अपने पोजीशन पे। जैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 42, 100, फिर हमारे अपने आप सॉल्व होने लगेगा। 31 लाख 4% ऐड करके 32, 24, 000, ठीक, ये हमारा हो जाता है। अब सुनिएगा, एक और इसी पे लेते हैं आगे, सुनना कि अगर किसी पर्सन की इनकम, पर्सन तो नहीं है यहाँ पे, फिर से कौन है, कौन है, एस लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, इनकम है उसकी 10 करोड़ 1 लाख 50 हज़ार रुपये, 10 करोड़ 1 लाख 50 हज़ार रुपये, कैसे प्रोसीड करना है बताना साहब, कैसे प्रोसीड करना है बताना। बताएंगे आप, मैं लिखता हूँ, कैसे चलेगा, एक्चुअल इनकम कितना है, 10 करोड़ 1 लाख 50 हज़ार रुपये, यही है, ठीक है। इस पे आप निकाल लीजिए नॉर्मल टैक्स, इस पे आप निकाल लीजिए नॉर्मल टैक्स, बिना कोई झंझट लिए नॉर्मल टैक्स किस रेट से लगेगा, एट द रेट ऑफ 30%, डोमेस्टिक कंपनी है, ये आएगा आपका 3 करोड़ 45 हज़ार रुपये। बात पता, 3 करोड़, ओहो, ये आएगा 3 करोड़ 45 हज़ार रुपये, बिल्कुल ठीक, बात समझ में आती है, 3 करोड़ 45 हज़ार रुपये। इस पर आप ऐड करोगे सरचार्ज, सरचार्ज कितना आएगा, एट द रेट ऑफ 12%, क्योंकि अब डोमेस्टिक कंपनी है और इनकम 10 करोड़ से ऊपर है, 12%, ठीक है। इसका आप लोगे 12%, ये आता है आपका 36,05,400 रुपये, ये आता है सरचार्ज ऐड करने के बाद। सेस ऐड करना है क्या, नहीं साहब, यहीं रुकना है। ये आपका बनेगा टोटल टैक्स, टोटल टैक्स कितना, हाँ ऐड कर लेते हैं, ये आता है 3,36,50,400 रुपये, ठीक है, इतना आता है। अब सुनिए, यहां से हमें क्या करना है, अब हमें घटाना है यहाँ पे सबसे पहला मार्जिनल रिलीफ, ठीक है, मार्जिनल रिलीफ घटा देना है हमें यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, नेट टैक्स आएगा, नेट टैक्स, बट बिफोर सेस, बिफोर सेस ऐड किए, इसमें हमें ऐड करना है सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये करने के बाद हमारा फाइनल टैक्स पेबल जो है, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो है, वो निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आती है क्या, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी, इसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। अब इस मार्जिनल रिलीफ का बनाना होगा हमें नोट, ठीक है, इस मार्जिनल रिलीफ का हमें नोट बनाना होगा, क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। आप कैसे लिखोगे इसको, लिखोगे कि एक्चुअल इनकम को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, एक्चुअल इनकम को कैसे लिखा जा सकता है, 10 करोड़ प्लस 1.50 लाख रुपीज़, 10 करोड़ पे हम लेंगे नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स, और इस पे लेंगे 100% ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, ये पूरा हम ले लेंगे 100%, यानी गवर्नमेंट ले लेगी पूरा एक्स्ट्रा इनकम। अब सुनना, 10 करोड़ पे नॉर्मल टैक्स निकालिए, तो आपका बनेगा 10 करोड़ पे 30%, यानी कि 3 करोड़ रुपए, प्लस यहीं पे बच्चा गलती करता है, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 7%, वो भूल जाता है कि सरचार्ज भी लगाना है, तो ये आता है आपका
3 करोड़ का 7% 2 करोड़, सॉरी 21 लाख रुपए है, 21 लाख रुपीस। तो ये आता है 3 करोड़ 21 लाख रुपए, ये आता है इस पर नॉर्मल टैक्स, ठीक है, नॉर्मल टैक्स। इसका 100% कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आता है, 3 करोड़ 22 लाख 50 हज़ार रुपये। और इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बात समझ में आती है, अभी इतना टैक्स पे करना पड़ेगा प्लस सेस पे करना पड़ेगा। तो कहते हैं अब इसको कंपैरिजन कर लीजिए किससे, इसको कंपैरिजन कर लीजिए किससे, जो एक्चुअल आपका टैक्स बना था उससे इसको कंपैरिजन कर लीजिए एक्चुअल टैक्स से। एक्चुअल कितना था, 3 करोड़ 36 लाख 50 हज़ार 400 रुपये। और जो डिफरेंस आता है आपका 3 करोड़ 36 लाख 50 हज़ार 400 रुपये माइनस 3225, ये आता है आपका 14 लाख 400 रुपये। ये ही आपका मार्जिनल रिलीफ है। इस वैल्यू को उठा के आप पुट करेंगे इसकी लोकेशन पे, यहाँ पे 1400 400 रुपीज़, तो ये आएगा 3 करोड़ 22 लाख 50 हज़ार रुपीज़, इतना आएगा। इस पर आप ऐड करेंगे सेस 322, ये आता है आपका 1290,000 रुपीज़ का सेस। और ये सब ऐड करने के बाद 3 करोड़ 35 लाख 40 हज़ार रुपीज़, ये आपका फाइनल टैक्स पेबल बनेगा, फाइनल टैक्स पेबल बनेगा, फाइनल टैक्स पेबल बनेगा। बात समझ में आती है क्या? यही था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 3 करोड़ 35 लाख 40 हज़ार रुपये, वही हमारा भी आया था। और मार्जिन रिलीफ कितना आया, मार्जिन रिलीफ कितना आया, 1400 रुपये। बात समझ में आती है? अच्छा देखो, ये तो आपका फाइनल प्रेजेंटेशन है, ये आपका फाइनल प्रेजेंटेशन है। इस फाइनल प्रेजेंटेशन में कैसे प्रोसीड करना है, समझ में आया ना? ऐसे एक्चुअल लेना है, एक्चुअल लेना है, एक सेकेंड, ठीक, एक्चुअल लेना है सबसे पहला, ये ले लिया हमने एक्चुअल, उस पर निकाला टैक्स, नॉर्मल टैक्स सरचार्ज ऐड कर दिया, टोटल निकाल लिया। मार्जिन रिलीफ उसमें से लेस करेंगे, अब हमारा जो टैक्स नॉर्मल है उसमें सेस ऐड कर देंगे, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ये मार्जिन रिलीफ निकालने के लिए एक बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे बनेगा, दो भाग में इसको तोड़ेंगे, हम दो भाग में तोड़ेंगे, कहेंगे एक्सेस इनकम कुछ इस प्रकार से है कि नॉर्मल इनकम इतनी, मतलब रेजिडुअरी इनकम इतनी और एक्सेस इनकम इतनी, ठीक है। नॉर्मल पे ले लेंगे नॉर्मल टैक्स, और एक्सेस पे ले लेंगे 100% ऑफ एक्सेस इनकम, यानी पूरा पूरा एक्सेस इनकम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 30 लाख, ये हो गया 1 लाख, दोनों जोड़ देंगे 31 लाख। और जो आपके एक्चुअल टैक्स अभी आपने निकाला है, देखो एक्चुअल टैक्स आपने अभी निकाला है, यहां तक निकाल के आए हो गए आप, यहाँ ये वाला अमाउंट, ये वाला, यही यही आके आप यहाँ लिख दोगे एक्चुअल टैक्स में, यही लाके आप यहाँ लिख दोगे एक्चुअल टैक्स में 32,41,100। दोनों का डिफरेंस बनेगा मार्जिनल रिलीफ, दोनों का डिफरेंस बनेगा मार्जिन रिलीफ। ये वैल्यू आप ले जाके वापस पुट करोगे वहाँ पे, ये वैल्यू आप पुट करोगे 32,42, ये वाला, ये वैल्यू पुट करोगे और ये नीचे का सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आती है? यही आपने अगले वाले में भी किया है, देखिए देखिए, यही अगले वाले में किया है। एक्चुअल इनकम ले लिया आपने, फिर आपने उसमें नॉर्मल टैक्स निकाल लिया, सरचार्ज ऐड कर दिया, नॉर्मली ये आ गया, ठीक है। अब आप इसमें से घटाओगे मार्जिनल रिलीफ, मार्जिन रिलीफ घटाओगे, मार्जिन रिलीफ घटाने के लिए कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिन रिलीफ का एक बन जाएगा वर्किंग नोट, ठीक है। ये बनाया आपने वर्किंग नोट, उसको लिखा एक्चुअल इनकम कुछ इस प्रकार से है कि 10 करोड़ अलग है, 1.5 करोड़ सॉरी 1.5 लाख रुपए अलग है,
ठीक है, 10 करोड़ पे ले लेंगे हम नॉर्मल टैक्स, 10 करोड़ पे ले लेंगे नॉर्मल टैक्स, और 1.5 लाख रुपए जो है वो 100% ले लेंगे एक्सेस इनकम, ठीक है। इस 10 करोड़ पे निकालेंगे नॉर्मल टैक्स, और चूंकि 10 करोड़ भी 1 करोड़ से ज़्यादा है इसलिए 7% सरचार्ज लगेगा, ये आ गया आपका नॉर्मल टैक्स, और ये पूरा पूरा 1.5 लाख रुपये हमें दे दो ठाकुर, ठीक है। तो ये बन जाता है 3,22,50,000 रुपये, और हम एक्चुअल इनकम जो थी हमारी उसको उठा लाएंगे, ठीक है, एक्चुअल इनकम जो हमारी थी उसको उठा लाएंगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही मार्जिनल रिलीफ होगा। इस मार्जिनल रिलीफ को उठा के हम ले जाएंगे यहाँ पुट करेंगे, इस मार्जिनल रिलीफ को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे यहाँ पुट करेंगे, ये आया आपका 3,22,50,000, ठीक है, 3,22,50,000, उसमें ऐड करेंगे सेस और ये आ जाएगा फाइनल टैक्स पेबल। बात समझ में आती है? लेकिन एक चीज़ समझना, मैंने यहाँ पे लगाया सीधा मार्जिनल रिलीफ घटाने को, ठीक है। मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, हमें पता कैसे चलेगा कि मार्जिनल रिलीफ इस मतलब इस वाले क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है? अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था कि अगर इनकम स्लाइटली हायर हो, अगर इनकम जो है वो सरचार्ज के लिए प्रिस्क्राइब लिमिट से स्लाइटली हायर हो, लेकिन कितनी हायर हो ये बताओ। देखो जब भी सरचार्ज लगने लगे तो आप क्या करोगे, जब भी सरचार्ज लगने लगे तो आप एक बार मार्जिनल रिलीफ के बारे में सोचोगे, मार्जिनल रिलीफ लगेगा या नहीं लगेगा इसका कंप्यूटेशन मन में और कैलकुलेटर में चलेगा, ठीक है। वर्किंग नोट, मार्जिनल रिलीफ कितना निकलेगा इसका वर्किंग नोट बनेगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कंप्यूटेशन कहाँ होगा, दिमाग में होगा। मैंने बताया था कि मार्जिनल रिलीफ लगेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको कैसे पता करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक्सेस इनकम पर जो टैक्स निकल, एक्सेस इनकम की वजह से जो टैक्स निकल रहा है, यानी कि एक्सेस टैक्स जो है वो एक्सेस इनकम से ज़्यादा है या कम है, एक्सेस टैक्स जो है वो एक्सेस इनकम से ज़्यादा है या कम है, यानी ये मार्जिनल रिलीफ निकलेगा या नहीं निकलेगा वो कैसे पता करना है। देखो साहब हम बताएं, आपको कुछ ऐसे चलना है, मार्जिनल रिलीफ आएगा या नहीं आएगा इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। कितना था हमारे पास, 1 करोड़ 1 लाख रुपीस, 1 करोड़ 1 लाख रुपीस था। तो एक काम करो, एक बार इस पे टैक्स निकाल लो और एक बार 1 लाख को छोड़ दो, सिर्फ 1 करोड़ पे टैक्स निकाल लो, ठीक है। एक बार इस पे टैक्स निकाल लो, एक बार इस पे टैक्स निकाल लो, इस पे कितना बनेगा 30 लाख रुपीस, ठीक है। इस पे कितना बना था बता दो, 32,42,100, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस है 2,42,100, 2,42,100, और एक्सेस इनकम कितनी है 1 लाख रुपए। क्या ये डिफरेंस, ये 2,42,100 1 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस, यानी कि सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने की वजह से 2,42,100 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, यानी 242.10% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, और इस वजह से ये मुझे पता है कि मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट आएगा, मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। कितना आएगा वो कहते हैं, ये पूरा कितना एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है, कहते हैं ये 2,42,100 का पे करना पड़ रहा है, ठीक है, इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन कहती है सरकार अभी भी कितना पे करना पड़ेगा, 100% ऑफ एक्सेस इनकम तो करना ही पड़ेगा, यानी ये पूरा 1 लाख तो देना ही पड़ेगा, ये पूरा 1 लाख तो देना ही पड़ेगा, यानी कि टोटल एक्सेस में से 2,42,100 में से टोटल एक्सेस में से 1 लाख तो अभी भी देना है, तो इसको घटा लो, यानी 1,42,100 मत दो, सरकार उतने की छूट आपको दे रही है, 1,42,100 रिलीफ के रूप में आपको दे रही है, यही 1,42,100 आप यहां पे घटाए हो, देखो जिसको आप कंप्यूट करके दूसरे तरीके से लेकर आए हैं। आपने कहा 10 करोड़ पे पूरा नॉर्मल टैक्स और 1.5 लाख पे पूरा टैक्स, तो ये बन गया आपका नॉर्मल टैक्स और ये पूरा 100%, ये सब ले दे के आपको कितना आया, ये सब ले देके कितना आया। अच्छा ये दूसरा वाला एग्जांपल उठा लिया ना मैंने, दूसरा वाला एग्जांपल उठा लिया। अच्छा दूसरा वाला एग्जांपल में भी देख लो, अगर मैं दूसरा वाला एग्जांपल की बात करूं तो मार्जिन रिलीफ आएगा या नहीं आएगा वो कैसे पता चलेगा। उन्होंने कहा एक काम करो, 10 करोड़ कितना था, 10 करोड़ 1,50,000 पे टैक्स निकाल लीजिए, नॉर्मल कितना आया था 3,36,00,000, 3,36,50,400 है ये था। अब कहते हैं सिर्फ 10 करोड़ पे टैक्स निकाल लो, सिर्फ 10 करोड़ पे टैक्स निकाल लो, 1.5 लाख को इग्नोर कर दो टैक्स निकाल लो, कितना आया था 3,22,50,000 कितना था, एक सेकेंड, हाँ 3,22,50,000 रुपए यही था, 3,22,50,000 रुपए आया था, 50,000 रुपए। कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए कितना आता है, कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस आता है 14 लाख,
नहीं एक सेकंड में बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये इतना थोड़ी ना, मैंने कहा 10 करोड़ पे टैक्स कंप्यूट करो, तो 10 करोड़ पे, माफ़ी चाहूँगा एक सेकेंड, 10 करोड़ पे टैक्स कंप्यूट करो, तो 10 करोड़ पे टैक्स कितना है? टिपने में गलती हो गया, ये देखिए 10 करोड़ पे तो टैक्स कितना है, 10 करोड़ पे तो टैक्स कितना है, 10 करोड़ पे तो टैक्स इतना है 3,21 है, ठीक है 3,21,00,000 रुपये, यही है 3,21,00,000 रुपये है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है 336,50,000 माइनस 321, हाँ ये है आपका 15,50,000 रुपये, 15,50,400 रुपये। और आपको पता है कि 1,50,000 तो मुझे देना ही देना है इसमें से, अभी भी 100% ले लेंगे ना उसका, तो ये कितना बनेगा 14,400 रुपये का आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। बात समझ में आती है, ये भी एक तरीका है, लेकिन आपको ये प्रेजेंटेशन देना नहीं है, ये प्रेजेंटेशन देना नहीं है, आप पता कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ये प्रेजेंटेशन नहीं देना है, प्रेजेंटेशन ये देना है कि साहब 10 लाख पे नॉर्मल टैक्स, ये इस तरह से कि 10 लाख पे नॉर्मल टैक्स और ये 1,50,000 रुपये पे 100% टैक्स लिया जा रहा है, इस तरह से करके देना है, और जो एक्सेस आपका मतलब जो एक्चुअल टैक्स था उसमें से इसको घटा के जो बचेगा, ये एक्सेस टैक्स था आपका, ये नॉर्मल टैक्स था मतलब नॉर्मल इनकम पे आ रहा था, ठीक है उसमें से आप जो आपका ये बनता है इसको घटा लीजिए, यही मार्जिनल रिलीफ निकल जाएगा। लेकिन आपको मार्जिनल रिलीफ आएगा या नहीं आएगा वो कैसे पता चलेगा? एक्सेस इनकम की वजह से कितना एक्सेस टैक्स आया और एक्सेस इनकम, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। बात समझ में आती है, ये कॉन्सेप्ट था। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूँगा यहाँ पे, जो आपके पेपर मतलब क्वेश्चन बुक में दिए हैं, आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिएगा मिस्टर ए हैं, ए है मतलब इंडिविजुअल है, स्लैब रेट आपको पता है शुरुआत के कितने पे, स्लैब रेट पता है आपको फर्स्ट 2.5 लाख पे निल, फिर 2.5 से 5 डिफरेंस कितना 2.5 लाख, इस पे कितना 5%, फिर 5 से 10 डिफरेंस कितना 5 लाख, इस पे कितना 20%, उसके बाद 10 लाख के ऊपर कितना 30% का टैक्स सरचार्ज का, 50 लाख के ऊपर 10%, 1 करोड़ के ऊपर 15% का सरचार्ज। बात समझ में आती है, कितने साल के हैं 42 साल के हैं, यानी सीनियर सिटीजन वाला तो अप्लीकेबल नहीं है, सीनियर सिटीजन वाला तो अप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आती है, सीनियर सिटीजन वाला अप्लीकेबल नहीं है, सीनियर सिटीजन का 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन को जो 5 लाख की छूट मिलती है वो दोनों ही मजा इनको मिलने वाला नहीं है, इनके लिए कौन सा रेट लगा के चलेंगे 2.5 लाख की एग्जम्पशन देकर चलेंगे। इनकम कितनी है, इनकम कितनी है साहब इनकी 51 लाख की इनकम है, पूछ रहे हैं कि बताइए साहब कितना आएगा सरचार्ज एटसेट्रा, ठीक है इसको टेकअप करते हैं, कितनी की इनकम है 51 लाख की इनकम है, इस पर आप निकालेंगे, ये है एक्चुअल इनकम, इस पर आप निकाल लीजिए टैक्स, एक्चुअल टैक्स निकालिए, कैसे निकलेगा तो देखिए इसको ऐसे बांट लीजिए, पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 से 5 पे कितने का डिफरेंस है 2.5 लाख, कितने परसेंट 5%, 12,500 रुपये, अगले 5 से 10 पे डिफरेंस कितना 5 लाख का, रेट कितना 20%, कितना आया 1 लाख, ठीक है और 10 से ऊपर कितना है, 10 से ऊपर है आपका 41 लाख, इस पे आप लगा लीजिए 30%, तो ये आता है 12,30,000 रुपये, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए 12,30 और 13,30 और 10, 13,40, 13,42,500, ठीक है इतना आया 13,42,500। क्या सरचार्ज ऐड होगा क्या? बिल्कुल होगा, इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से 10% से ऐड होगा 134,250, टोटल कितना आता है, ये एक्चुअल टैक्स निकल के आ रहा है आपका, टोटल कितना आता है एक सेकेंड, टोटल आ गया आपका यहां पर, टोटल आएगा 14,76,750, बात समझ में आती है, ये आ गया एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, इसमें से हम घटाएंगे मार्जिनल रिलीफ, ये आएगा घटाने के बाद समथिंग समथिंग, ठीक है मतलब यहां पे आएगा नेट टैक्स
ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, इस नेट टैक्स में हमें फिर क्या करना है, सेस ऐड करना है एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, इसको करने के बाद ये हमारा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगा, फाइनल टैक्स पेबल निकल कर आएगा। अब बात करते हैं कि मार्जिन रिलीफ कितना होगा, तो मैंने कहा 51 लाख को आप ऐसे देखिए, 51 लाख को ऐसे देखिए कि 50 लाख प्लस 1 लाख रुपीज़, 50 लाख पे ले लीजिए नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स, और 1 लाख पे ले लीजिए 100% ऑफ एक्सेस इनकम, एक्सेस इनकम 100% ले लीजिए, नॉर्मल टैक्स लीजिए। तो कैसे इसको बांटेंगे, सेम उसी तरीके से निकालेंगे, पहले 2.5 लाख पे निल टैक्स पेबल बनेगा, अगले 2.5 लाख पे यानी कि 2.5 से 5 के डिफरेंस पे 5% की रेट से कितना आता है ये 12,500 रुपये, फिर अगले 5 लाख पे 20% की रेट से कितना बनता है 1 लाख रुपीज़, उसके बाद 10 से ऊपर, ये इंग्लिश पेपर में मत लिख देना 10 से ऊपर, अब आप 10 लाख लिखना, ये पेपर लिख दिया 10 से ऊपर, कहेंगे ये कौन सा इंग्लिश चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो नंबर भी काट को ऐसे ही मिलेगा, कहेंगे अब ऊपर, ठीक है, तो ये चीज़ है। 10 से ऊपर कितना है, 40 लाख है, उस पर लगाना है 30%, ये आता है आपका 12 लाख रुपये। टोटल कर लीजिए, इन सबको टोटल कर लीजिए तो 12 और 1 13 और 13,12,500 रुपये ये आता है आपका, ठीक है। इस पर कितना, ये पूरा पूरा ले लेगी गवर्नमेंट, यानी कि पूरा 1 लाख रुपीज़ ले लेगी, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो अब ये इन दोनों का कितना आता है 14,12,500, ठीक है। एक्चुअल कितना आया है, एक्चुअल कितना आया है, ये आया है 14,76,750, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इन दोनों का 64,250 का, 64,250 रुपये का। यही आपका क्या है, मार्जिनल रिलीफ है, यही आपका क्या है, मार्जिनल रिलीफ है। यही मार्जिनल रिलीफ को आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ आप पुट करेंगे 64,250 घटा लीजिए 14,76,750 माइनस 64,250 कितना आता है 14,12,500, सेस ऐड कीजिए 4% के रेट से, ये आता है 56,500 रुपये। टोटल कर लीजिए 14,12,500, ये आता है आपका 14,69,000 रुपीज़, ठीक है। यही आंसर आया होगा, जाके देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए कितना है मार्जिन रिलीफ। दो अमाउंट आपको आंसर देने हैं इसमें, पहला आंसर ये देना है कि मार्जिन रिलीफ कितना है, तो मार्जिन रिलीफ है साहब हमारा, और दूसरा 64,250, और टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, ये है 14,59,000 रुपये, सॉरी 14,69,000 रुपये, ठीक है। अब सुनना, ये हो गया, बात समझ में आती है, अब आज वापस आ जाओ इसी में, दूसरा तरीके से जो मैंने देखना बताया था कि मार्जिन रिलीफ, ये तो मैंने लिख दिया ना मार्जिन रिलीफ आएगा, मार्जिन रिलीफ घटाइए, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि मार्जिन रिलीफ घटाना है कि नहीं घटाना है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए, ये रहा नॉर्मल टैक्स, ये निकाल लीजिए नॉर्मल टैक्स, ये आया 51 लाख पे टैक्स निकाल लीजिए कितना आया 14,76,750, अब 50 लाख पे टैक्स निकाल लीजिए कितना आया, देख के बता देता हूँ मैं अभी, हाँ 13,12,500, 50 लाख पे कितना आया 13,12,500, यानी कि अगर मेरी इनकम 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं होती तो मुझे 13,12,500 ही देने पड़ते, अगर मेरी इनकम 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं होती तो मुझे 13,12,500 ही देने पड़ते, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने 1 लाख ज्यादा कमाया मुझे 14,76,750 देना पड़ रहा है, जस्ट मैंने 1 लाख रुपये ज्यादा क्या कमा लिया मुझे 14,76,750 देना पड़ रहा है, यानी कि मुझे कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है 13,12,500, मुझे
164,250 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट का, किसकी वजह से, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख की वजह से 164,250 रुपए, यानी कि टैक्स रेट अगर मैं बताऊं तो 164% का टैक्स देना पड़ रहा है आपको, बात समझ में आती है। तो क्या मार्जिन रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक्सेस इनकम तो सिर्फ 1 लाख है लेकिन उसकी वजह से टैक्स कितना है 164,250 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है कितना दे दो, ये 1 लाख रुपए तो पूरा दे दो, यानी कि 164,250 तो मुझे टोटल देना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट की दरिया दिली देखिए, कहती है कि 1 लाख रुपए सिर्फ दे दो और बाकी 64,250 रुपए की छूट ले लो, 1 लाख रुपए तो अभी भी देने हैं। और इस प्रकार से छूट कितने की मिल रही है, 64,250, यही मार्जिनल रिलीफ है। इसी का प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से आपको देना है। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कौन है? फिर से मिस्टर ए हैं, यानी कि इंडिविजुअल हैं, 42 इयर्स के हैं, यानी 2.5 लाख का स्लैब अप्लीकेबल है, ठीक है। और कितनी इनकम है, 1 करोड़ 1 लाख, यानी स्लैब रेट तो अब हो गया 15% का। अब यहां पर अगर हमें कंप्यूटेशन करनी है, आइए करते हैं, सिंपल है, खुद कर सकते थे आप लोग। चलो पहला चैप्टर है, क्लास डेमो में जाएगी, करवा लो जितना सवाल करवाना है, ठीक है। होमवर्क तो दूंगा मैं, आज नहीं तो कल। टफ भी था, टफ नहीं है, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, नो डाउट, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। क्या कहा मैंने, हाँ, इसको कुछ ऐसे, इस पे नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए, 1 करोड़ 1 लाख पे नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? 4 पार्ट में इसको हम तोड़ेंगे। 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे, सॉरी, अगले 2.5 लाख पे 12,500, अगले 5 लाख पे 1 लाख रुपए, और बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 91 लाख रुपए पे 30% कितना आ जाएगा, 91 लाख का 30% ये आता है आपका 27,30,000 रुपए, 27,30,000 रुपए कितना आता है, 28,500 रुपए सरचार्ज ऐड कीजिए एट द रेट ऑफ 10 या 15% से, सरचार्ज ऐड कीजिए 15% से, कितना आएगा कैलकुलेट करके बताइए, 426,375 ये आएगा। टोटल कितना बनता है, टोटल टैक्स, एक्चुअल इनकम पर एक्चुअल टैक्स आपका बन रहा है 32,68,675 रुपीज का टैक्स बन रहा है। मैंने कहा यहाँ से घटा लीजिए मार्जिनल रिलीफ, वो मुझे पता नहीं कितना आएगा। फिर मैंने कहा ये आ गया आपका नेट, इस नेट के बाद से हमें ऐड करना है यहाँ पर सेस एट द रेट ऑफ 4%, इसको करने के बाद हमारा एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा। मार्जिनल रिलीफ का बनाएंगे हम एक वर्किंग नोट, मार्जिनल रिलीफ का हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट, क्या कहेंगे कि साहब देखिए एक्चुअल इनकम ही लिखिए, एक्चुअल इनकम ही लिखिए, कितनी है एक्चुअल इनकम, 1 करोड़ 1 लाख रुपए, लेकिन कुछ इस तरीके से लिखिए कि 1 CR अलग कर लीजिए, 1 लाख रुपीज अलग कर लीजिए, इस पे ले लीजिए नॉर्मल टैक्स, इस पे ले लीजिए नॉर्मल टैक्स, और इसका कर लीजिए पूरा 100%, 100% ऑफ एक्सेस इनकम ले लीजिए, ठीक है। नॉर्मल टैक्स कैसे, वही 4 स्लैब, पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 12,500 रुपए, अगले 5 लाख पे 1 लाख रुपए, और अगले 90 लाख रुपए पे 30% के रेट से 12 लाख कितना होगा, 27 लाख रुपए, सॉरी 27 लाख रुपए, इन सबको कर लीजिए टोटल कितना आता है, तो 27 और 1 28,12,500 रुपए, ये भी पूरा पूरा आ जाएगा, यानी कि प्लस 1 लाख रुपीज टोटल कर लीजिए तो ये आता है 29,12,500 रुपए,
29,12,500 रुपये। ओहो, एक गलती हो गई। देखिए, मैंने कहा था यहीं पे मिस्टेक होती है हमेशा, ठीक है, यहीं पे हमेशा मिस्टेक होती है। ये 29,12,500 अभी नहीं, एक सेकेंड, क्या सरचार्ज ऐड होगा क्या? हाँ, यही भूल जाता है इंसान बार बार। यहाँ पे अभी एक चीज़ रह गई, सरचार्ज ऐड करना। सरचार्ज ऐड होगा एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि इनकम 50 लाख से तो ज़्यादा है ना, इसलिए सरचार्ज ऐड होगा एट द रेट ऑफ 10%। तो ये हो गया 281,250 रुपये टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, ये आता है आपका 309, मतलब 3,09,000, सॉरी 30,93,750 रुपये, 30,93,750 रुपये ये आता है टोटल। और ये आपका जो एक्सेस इनकम है, ये भी इसमें ऐड होगा, ये भी इसमें पूरा पूरा प्लस 1 लाख रुपीज़ ये ऐड होगा। टोटल इन दोनों कर लीजिए 31,93,750 रुपये। यूं तो टैक्स कितना आ रहा था, यूं तो टैक्स कितना आ रहा था, यूं तो टैक्स आ रहा था 32, नॉर्मल तरीके से अगर खेलते तो ऐसे आ रहा था कि 32,68,875 रुपये नॉर्मल तरीके से खेलते तो, अगर गवर्नमेंट मार्जिन रिव्यू कॉन्सेप्ट ही नहीं लाती तो इतना आता। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नॉर्मल, मतलब एक्सेस इनकम को छोड़ के बची इनकम पे हमको कितना दे दो नॉर्मल टैक्स, और एक्सेस इनकम को पूरा पूरा हमको दे दो। तो फिर इस मेथड से कितना आने लगा, 31,93,750 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, मार्जिन रिलीफ कहलाएगी। जरा घटा लीजिए इन दोनों को, 31,93,750 माइनस 32,68,875 कितना आता है, ये 75,125 रुपये आप घटा लीजिए, यही आपका है मार्जिनल रिलीफ। 75,125 रुपये घटा लीजिए, नेट कितना बचता है, नेट आता है आपका 31,93,750 का, ठीक है। सेस ऐड कीजिए एट द रेट ऑफ 4%, दिस कम्स टू 127,750, 127,750 ऐड कर लीजिए, 127,750 ये आता है आपका 33,33,21,500 रुपये। देखिए यही आया है क्या आंसर, हाँ 33,21,500 रुपये का आपका आया हुआ है टैक्स, 33,21,500 रुपये टैक्स आया हुआ है। बात समझ में आती है क्या? अब मेरी बात सुनिएगा, वही एनालाइज करने का दूसरा तरीका, मैंने यहां लिख दिया मार्जिनल रिलीफ आएगा, बट मुझे कैसे पता आएगा, इसको कैसे पता करते हैं? तो ऐसे पता करते हैं कि 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाल लीजिए। जब गायब करो तो नहीं होता है, ठीक। क्या कीजिए, एक करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाल लीजिए, ये रहा ये वाला अमाउंट, कितना है 32,68,875। ओहो, आठ सौ पचहत्तर सिर्फ 1 करोड़ पे कितना होता, सिर्फ 1 करोड़ पे कितना होता, 32,68,875 ऐसे था, सिर्फ 1 करोड़ होता तो कितना होता, ये रहा आपका 30,93,750, 30,93,750 दोनों का डिफरेंस, और यहां पे डिफरेंस 1 लाख। तो चूंकि मैंने 1 लाख रुपए ज्यादा कमाए, मुझे कितना एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है, 32,68,875 माइनस 30,93,750 इज इक्वल टू 175,125, इतना पे करना पड़ रहा है, 1,75,125 रुपये। पर गवर्नमेंट बड़ी रहम दिल है, उसने कहा एक काम करो, 1 लाख रुपये तो हम अभी भी लेंगे, ठीक है। वैसे तुमको 1,75,125 देना पड़ता, अभी तुमको 1 लाख रुपये तो हम पूरा पूरा ले लेंगे,
तो हम तुमसे कितना नहीं लेंगे, 75,125 रुपये, यानी यही आपको हम क्या कर देंगे, छूट कर देंगे। इसे ही बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। बात समझ में आती है क्या? इसे ही बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। बात समझ में आती है? ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। यही दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, वो करा दिया मैंने। अब आ जाइए जो आपके CPT बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 30 मार्क्स का जो ऑप्शनल क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं फटाफट। पूछ रहे हैं बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या है। अरे क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, और क्या है CBDT का सर्कुलर या बेसिक सोर्स है क्या? नहीं, वो तो सपोर्ट करता है यार। जजमेंट ऑफ कोर्ट, अरे कोर्ट तो इंटरप्रेटर होता है। सर्कुलर नोटिफिकेशन, वो भी मतलब एक्ट को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन सोर्स क्या है, कहाँ से उत्पत्ति है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से उत्पत्ति है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं, क्या इंडियन कंपनी को कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या एक ऐसी फॉरेन कंपनी को विच हैज मेड अ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया? हाँ, इसको भी कहते हैं। लेकिन ए और बी दोनों ऑप्शन तो है नहीं, सी पढ़ते हैं। इंडियन कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी विच हैज मेड अ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाइए। रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन्ड, इनकम टैक्स रेट जो आपने स्लैब रेट पढ़े 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, 5 लाख तक, वो सारी चीजें कंपनी केस में 30%, 40%, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? तो देखो, ये इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा है और उसमें समय समय पे कहाँ लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है 1961 में। लेकिन उसमें समय समय पे चेंज किसके थ्रू किया जाता है? समय समय पे चेंज किया जाता है बजट के थ्रू, जो फाइनेंस एक्ट होता है हमारा उसके थ्रू। तो ये रहा हमारा बोथ के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा और एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा उसमें चेंज किए जाते हैं। अब पूछ रहा है सरचार्ज का रेट क्या है इंडिविजुअल के केस में, क्या है बताओ ना साहब। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो फिर उस केस में 10%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%। तो देखो 10% और 15% इन केस अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो, और 50 लाख से ज्यादा है तो, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ए भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंट असेसी, नॉन रेजिडेंट 100 साल का भी हो तो एग्जेम्पशन लिमिट कितनी मिलती है? 2.5 लाख मिलती है। बात समझ में आती है? वो उसके लिए कोई सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन नहीं होता है। एक डोमेस्टिक कंपनी, पहली बात डोमेस्टिक होनी चाहिए, और उसकी टर्नओवर कौन सी ईयर में जाके देखेंगे, 16-17 प्रीवियस ईयर में देखेंगे, 250 करोड़ तक है, तो टैक्स रेट 25% लेते थे, ये भी मैंने बताया था आपको। सरचार्ज की बात कर लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी के केस में, तो सरचार्ज किस रेट से लगाया जाता है डोमेस्टिक कंपनी केस में? डोमेस्टिक कंपनी में 7% और 12% है। 7% अगर TI एक्सीड करती है 1 करोड़ से, और 10 करोड़ से एक्सीड करती है तो 15%, ये तो गलत हो गया, ये वाला नहीं, 7% और 12%, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बात समझ में आती है? डी ऑप्शन सही है, 7% और 12%। सरचार्ज कितना है फॉरेन कंपनी केस में? 2% और 5%। 2% देख लीजिए, 2% और अगर TI 1 करोड़ से ज्यादा है तो, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%, ये ऑप्शन सही है, सी वाला। टैक्स रेट इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्म 30% फ्लैट। ठीक है, अगला, वेयर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की इनकम 3,10,000 रुपए है, तो उस केस में क्या होगा? आ जाओ यहां पे, AGP पे क्या लगता है बताओ साहब? AGP यानी ICAI, इसको मिलता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख। तो अगर इनकम 3,10,000 रुपए है, तो पहले 2.5 लाख पे निल और बचे हुए कितना, 360,000 रुपए पे 5% के रेट से लगेगा 3,000 रुपए। एक बात बताओ, इनकम कितनी है? इनकम है आपकी 3.5 से कम है क्या? 3.5 से कम है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, 87A मिलेगा क्या? बनाऊ मामू तुम्हें, है 87A मिलेगा क्या? कितने बच्चे कह रहे हैं हाँ मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा। 87A सिर्फ किसको मिलता है? जो पर्सन रेजिडेंट है प्लस इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल, बात समझ में आती है? इंडिविजुअल होना चाहिए। AGP तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल कब से हो गया? तो उसको नहीं मिलेगा, यानी यहां से 2500 रुपए नहीं घटेंगे। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? 3,000 रुपए। इसमें सेस ऐड होगा क्या? सेस बिल्कुल ऐड होगा साहब, 4% के रेट से। बताओ साहब, 3,000 का 4% 120 रुपए। हाँ, 120 रुपए कितना आना चाहिए?
3120 रुपए, ये आपका ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। सरचार्ज, सरचार्ज तो क्या बातें करते हो सर, 50 लाख के ऊपर है नहीं बातें सरचार्ज की। क्या ऑप्शन है 3000? अच्छा सेस ऐड करके नहीं दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, बट यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला कह रहे हैं इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी चार्ज टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग प्रीवियस ईयर डिस्कशन जनरल रूल, पढ़ा चुका है मैंने पढ़ा दिया आपको प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, पिछला साल अगला साल इसमें टैक्स, इसमें इनकम कमाते हैं उसमें टैक्स जमा करते हैं, बात समझ में आती है। अगला पढ़िए मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को कह रहे हैं डिस्कस कीजिए, वो बता दिया मैंने आज, पूरी क्लास ही उसी पे चली है मार्जिनल रिलीफ पे। तो ये हो जाता है आपका खत्म क्वेश्चन वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाता है। अच्छा एक डिस्कशन मैं और लेना चाहूंगा, पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी उस पर मैंने क्वेश्चन सोचा था बट वो क्वेश्चन बताने से रह गया था, उसको मैं टेकअप करना चाहूंगा एक बार को। मैंने एक बात बताई थी आपको कि कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो कुछ ही लोगों को मिलते हैं, कुछ ही लोगों को मिलते हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलते हैं, ऐसा मैंने पढ़ाया था, ऐसा मैंने पढ़ाया था। उसमें मैंने एक चीज़ और पढ़ाया था कि एक चीज़ उसमें और मैंने पढ़ाया था कि अगर आपको आपका 2.5 लाख रुपए यूज़ नहीं हो पा रहा है, 3 लाख रुपए यूज़ नहीं हो पा रहा है, देखिए अगर आपका 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए यूज़ नहीं हो पा रहा है तो उस केस में क्या हम LTCG 112 वाली और 111A में जो STCG आती है उससे लॉटरी इनकम से क्या हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं? आंसर इज ले तो सकते हैं बट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले कहां से लेंगे? LTCG से, जो 112 में लिखी हुई है 20% के रेट से चार्जेबल होती है। दूसरा हम कहां से लेंगे? 111A STCG जो 15% के रेट से चार्जेबल होती है। और तीसरा की बात करूं अगर मैं तो तीसरा आप मतलब लॉटरी से आप किसी प्रकार का मजा नहीं ले पाओगे, लेकिन ये सब भी बाद में यूज होता है, सबसे पहले अदर इनकम को यूज किया जाता है, ठीक है? वही बात है, क्या लिखा हुआ है, असेसी रेजिडेंट किसको मिलेगा? रेजिडेंट को और इंडिविजुअल होना चाहिए। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर उसकी यूज नहीं हो पा रही है तो उस मतलब जितना नहीं यूज हो पा रहा है, यानी अदर इनकम अगर इनसफिशियंट है, अदर इनकम अगर इनसफिशियंट है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस डिफरेंस को जितना नहीं यूज हो पा रहा है उसको बोलेंगे डेफिशियंसी। और डेफिशियंसी को सबसे पहले हम LTCG से यूज करेंगे, फिर अगर बच जाएगा तो STCG 111A से यूज करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की डेफिशियंसी कैजुअल इनकम यानी लॉटरी एटसेट्रा से यूज नहीं की जा सकती है। इस पे मैं लेना चाहूंगा एक एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि एक कोई पर्सन है, मिस्टर ए है, जिनको इनकम होती है, साढ़े सात लाख रुपए की, उसका बाइफर्केशन कुछ ऐसा है कि LTCG अंडर सेक्शन 112, STCG अंडर सेक्शन 111A, एक है आपका लॉटरी की इनकम और एक है आपकी अदर इनकम, ये है आपकी 95,000, ठीक है, ये है आपका 5,05,000, ठीक है, ये है आपका 70,000, ये है आपका 80,000 रुपए। अब इनको कितने मिलेगी? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी 2.5 लाख की, 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। अब ये बताइए 2.5 लाख में से सबसे पहले कहां से, यहां से कितना, 95,000। क्या ये खत्म हो गया? आंसर इज यस, ठीक है। क्या आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट हुआ? आंसर इज नो, अभी भी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 2.5 लाख में से 95,000 रुपये घटा लीजिए, आपका 1,55,000 रुपये अभी भी बचा हुआ है। अब कहाँ करेंगे एडजस्ट? सबसे पहले यहाँ से करेंगे। रीज़न बता दूँ, ये 20% से चार्जेबल होता है, ये 15% से, तो बताओ यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते, बात समझ आती है? तो कौन कहाँ ज़्यादा टैक्स रेट है? टैक्स रेट LTCG 112 में ज़्यादा है, तो पहले किसको यूज़ करना चाहिए? जहाँ से असेसी को फायदा हो, यानी कि अगर पहले STCG को यूज कर लिया, तो फिर LTCG बच गया, और LTCG में आपको 20% टैक्स देना पड़ रहा है, और STCG सस्ता है वो 15% टैक्स देना पड़ रहा है, तो जो महंगा है पहले उसको यूज करेंगे। तो कहते हैं, एक सेकेंड,
कहते हैं एलटीसीजी 112 में सबसे पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद अभी भी हमारी इनकम जो है वो, मतलब जो हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो अनयूटिलाइज्ड ही है, अभी भी 75,000 रुपये बचे हुए हैं। अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे 70,000 रुपये, लेकिन यहाँ से 5,000 रुपये घटा सकते हैं क्या? आंसर इज नो, यहाँ से 5,000 रुपये नहीं घटा सकते और पूरा 5,05,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो बची हुई 5,000 रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इसका क्या करें? तो सरकार कहती है कि भूल जाइए, ये नहीं दे पाएंगे आपको। आपको बेसिक एग्जम्पशन जो आपकी बच गई है, अनएग्जॉस्टेड रह गई है, वो आपको नहीं मिलने वाली लॉटरी से। ये 5,05,000 रुपये पे आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ क्या, 30%। कहाँ लिखा है? 115 BB में, 115 BB में लिखा हुआ है 30% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। कितना बनता है? 1,51,500। अब आपको सोचना है कि क्या 87A मिलेगा? मिल जाता अगर टीआई टोटल इनकम ये अगर आपका 3.5 लाख से कम होता, तो मतलब 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता तो आपको 2,500 का बेनिफिट मिल जाता। बट अभी आपको 87A नहीं मिल सकता। रीजन वाई, क्योंकि आपका ये 7.5 लाख था, इसलिए। अदरवाइज मैं बता दूं, सिर्फ लॉटरी से कुछ नहीं घटाने देते, इवन आपके एक्सपेंस भी घटाने नहीं दिए जाते, ना ही आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी जाती है। और आगे एक चैप्टर आएगा छूट की, यानी कि डिडक्शंस की, डिडक्शन का चैप्टर 6 है, वो भी आपको लॉटरी की इनकम से नहीं मिलता है। सिर्फ एक चीज़ मिलता है 87A का रिबेट। लेकिन चूंकि आपकी इनकम 7.5 लाख रुपये है, वो 3.5 लाख से ज़्यादा है, इस वजह से आपको यहाँ 87A नहीं मिलेगा। अब आपका यहाँ पर ऐड होगा सेस एट द रेट ऑफ 4%। कितना आएगा साहब? 60,060 रुपीज। टोटल आ जाता है आपका 1,57,560। ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, तो फर्दर राउंड ऑफ की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक पेंडिंग टॉपिक था जो मैंने करा दिया। मुझे लगता है कि यहीं पे डिस्कशन अपना बंद करना चाहिए। चैप्टर 1 आपका खत्म हो चुका है बेसिक कंसेप्ट का। और प्लीज़ मुझे ये, मैं YouTube पे अपलोड करूँगा अपना चैनल जो मेरा है, क्या है, सीए सत्यम त्रिपाठी, इस नाम से मेरा जो YouTube चैनल है इस पे अपलोड करूँगा। प्लीज़ आप लोग मुझे ढेर सारी मात्रा में फीडबैक दें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसी से एनर्जी मिलती है काम करने की। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अरे एक बात रह गई आपकी, ठीक है, ये जो नीचे का पैराग्राफ दिया हुआ है ये पढ़ाने से रह गया, इसको कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। दो मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसको कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा, एक सेकेंड। सुनिएगा, कहते हैं दो नोट दिया हुआ है, इनको देख लीजिए। लिखा हुआ है CBDT किसने किया है? बोर्ड ने किया है क्लैरिफाई, CBDT हैज क्लैरिफाई। मैंने बताया था ना, एक्ट में क्लैरिफिकेशंस आती हैं, ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट के लिए क्या होता है, अगर कहीं एम्बिग्यूटी होती है, डाउट होता है, तो फिर क्लैरिफिकेशन करने के लिए, उस पर क्लियर व्यू देने के लिए CBDT के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, क्लैरिफिकेशन इशू कर सकता है, एक्सप्लेनेशन इशू कर सकता है। तो CBDT हैज क्लैरिफाइड, लिखा हुआ है क्लैरिफाइड, मतलब उन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है, अ पर्सन हु वॉज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल वुड बी कंसिडर्ड टू हैव अटेंड अ पर्टिकुलर एज ऑन 31 मार्च द डे प्रिसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे। एग्जाम्पल 1 अप्रैल 1958, 60 ईयर्स का हो जाएगा कब? 31 मार्च 2018। और 1 अप्रैल 1938 को पैदा हुआ व्यक्ति 80 ईयर्स का हो जाएगा 31 मार्च 2018 को। मैं बता दूं ऐसा क्यों है, एक चीज़ आप देखिएगा ज़रा, जब मैंने आपको स्लैब रेट के बारे में बताया था कि स्लैब रेट कैसे वर्क करता है, तो आपको पता होगा एक दो कॉन्सेप्ट आ गए थे, एक था सीनियर सिटीजन का और एक था सुपर सीनियर सिटीजन का, ठीक है ना। देखिए, एक था सीनियर सिटीजन का और एक था सुपर सीनियर सिटीजन का। वो पर्सन जो कि सीनियर सिटीजन है, उसके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, ठीक है,
और अगर हम उल्टे हाथ पर देखें, मतलब नॉर्मल केस देखें, तो हम ये पाएंगे कि 2.5 लाख रुपए तक ही छूट है। तो सोचिए, अगर कोई पर्सन अगर 60 साल का है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है, तो एक पर्सन अपने आप को क्या क्लेम करना चाहेगा कि वो 60 ईयर्स का है ताकि उसको बेनिफिट ज़्यादा मिल सके और टैक्स कम पे करना पड़े, ठीक है। वहीं डिपार्टमेंट क्या चाहेगा कि एक पर्सन जो है वो नॉर्मल टैक्स का, मतलब नॉर्मल 2.5 लाख का ही बेनिफिट ले पाए, 3 लाख का बेनिफिट ना ले पाए। अब आप पूछोगे कब चाहेगा ऐसा हो। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक पर्सन को सीनियर सिटीजन कब कहेंगे, तो लिखा है हु आर ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट बिलो 80 ईयर्स। मतलब वो 60 ईयर्स और मोर हो जाए, ठीक है, पहली बात वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरी बात वो इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी AOP, BOI, AJP, HUF ये सब नहीं होते 60 साल के, ठीक है। इंडिविजुअल हमारे आप जैसे नेचुरल पर्सन ही हो सकते हैं 60 साल के। उस पर लिखा है पहली बात वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए, सिर्फ रेजिडेंट को बेनिफिट है। मैंने बताया था कुछ बेनिफिट ऐसे जो सिर्फ रेजिडेंट को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी वो किसी भी समय, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि एक व्यक्ति साल के दौरान भी अगर किसी भी समय अगर वो 60 ईयर्स का हो जाता है तो उसको पूरे साल के लिए 60 ईयर्स का माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप पढ़ोगे वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, तो वहां भी लिखा हुआ है अ पर्सन जिसका एज है 80 ईयर्स और मोर, यहाँ पे भी एक वर्ड है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी साल के दौरान किसी भी समय अगर कोई पर्सन 60 ईयर्स और मोर का होता है तो उसको सीनियर सिटीजन बोल देते हैं, और साल के दौरान किसी भी समय अगर कोई पर्सन 80 ईयर्स और मोर का हो जाता है तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन बोल देते हैं। इट मीन्स एक बात समझना, अगर किसी पर्सन, ये मान लो ईयर है और उसका बर्थडे इस डेट को पड़ा है, ठीक है, मान लो ये ईयर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये स्टार्ट कब हुआ 1/4/2018 को और ये ख़त्म होने वाला है 31 मार्च 2019 को, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का बर्थडे अगर 1 जनवरी 2019 को पड़ा है, तो भले वो इस धर पड़ा है, अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 महीने के लिए वो 60 साल का हुआ, 3 महीने के लिए 60 साल का हुआ, और इसके पहले वो 59 ईयर्स का था। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि बताइए उसको स्लैब कौन सा लगेगा, क्या इधर की इनकम के लिए 2.5 लाख और इधर की इनकम के लिए 3 लाख लगेगा क्या? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है साहब। लॉ ने लिखा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो किसी भी समय साल के किसी भी दौरान अगर वो 60 साल का हो जाता है तो पूरे साल के लिए वो 60 साल का माना जाएगा। इट मीन्स इस केस में अगर वो यहाँ पे जाके 60 ईयर्स का बर्थडे मनाता है अपना, तो वो पूरे साल का ही क्या माना जाएगा, 60 ईयर्स का माना जाएगा। ये बात समझ में आती है, वो पूरे साल 60 ईयर्स का माना जाएगा और उसको इस साल की इनकम के लिए 3 लैक्स का बेनिफिट दे दिया जाएगा उसको। तो कहाँ पे थे हम, मैंने कहा कि अगर किसी पर्सन का बर्थडे पड़ता है यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को, तो ऑल्दो वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही 60 साल का हुआ है, 3 महीने के लिए ही 60 ईयर्स का हुआ है, फिर भी लॉ ऐसा कहता है कि आपको पूरे साल, हम मानेंगे कि आप पूरे साल 60 ईयर्स के थे और आपको हम 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देकर चलेंगे। बात समझ में आती है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन यहाँ पे 80 ईयर्स का हुआ होता, सिर्फ 3 महीने 80 ईयर्स का होता, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं साहब, हम आपको 80 ईयर्स का पूरे साल मान के चलेंगे और आपको 5 लाख का एग्जेम्पशन देकर चलेंगे। बात समझ में आती है। वहाँ पे क्या वर्ड हुआ है यूज, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। अब देखो मुद्दा यहाँ पे नहीं था, एक बार समझ में आई वर्ड क्या था, एट एनी टाइम। तो उसका अब कैसे दुरुपयोग होना चालू हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, देखना जरा ध्यान से क्या हुआ। एक साइड है असेसी, ओह, एक साइड है असेसी, एक साइड है डिपार्टमेंट, ठीक है ना साहब, एक साइड है असेसी और एक साइड है डिपार्टमेंट। सपोज एक पर्सन ऐसा है जिसका बर्थडे मनाया जाता है, एक पर्सन ऐसा है जिसका बर्थडे मनाया जाता है 1 अप्रैल हर साल, ठीक है, 1 अप्रैल हर साल मनाया जाता है, वो 1 अप्रैल को अगर पैदा हुआ था तो ये बताओ अगले साल वो बर्थडे कब मनाएगा। वो मनाएगा अगले साल, मान लो वो पैदा हुआ था 1958 में,
तो अगले साल बर्थडे कब मनाएगा? 1959 में. उसके अगले साल कब मनाएगा? 1960 में. बात समझ में आती है? ऐसे करते करते वो इस साल बर्थडे कब मनाएगा? 1 अप्रैल 2018 को मनाया होगा. फिर वो मनाएगा 1 अप्रैल 2019 को. अब सुनना एक चीज और. अब एक बात ये देखना, वो बर्थडे ऐसे ही मनाता है, पार्टी इसी दिन देता है, ठीक है? अब सुनना, अब एक चीज ध्यान देना. अगर मैं पूछूं कि एक साल कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, तो एक बात बताओ, एक साल हमेशा शुरू होता है 1 जनवरी को. कैलेंडर ईयर की बात कर लो, आप लोग हमेशा जानते हो. मान लो 2018 को, और ये कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 31 दिसंबर 2018. तभी ना आप लोग नया साल मनाते हो. बोलो 31 दिसंबर को खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा. मैं बताऊं आपको, कोई भी ईयर अगर मैं बोलूं कि यहां से, अच्छा एक चीज देखो, मैं बोलूंगा कि ये मंथ कब स्टार्ट हुआ, ये मंथ कब स्टार्ट हुआ, मैं बता दूं ये अगस्त का महीना चल रहा है जिस समय रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अगस्त का महीना है. तो एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगस्त कब शुरू हुआ होगा, तो आप बोलोगे 1st 8 को शुरू हुआ होगा, मतलब 1 अगस्त को शुरू हुआ होगा. मैं पूछूंगा कब खत्म होगा, तो आप बोलोगे 31 अगस्त को खत्म होगा, क्योंकि इसके बाद तो 1 सेप्टेम्बर आ जाएगी. बात समझ में आ रही है? तो आप एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे 1st है, तो यहाँ पे एक दिन पहले खत्म हो रहा है पीरियड, ठीक है ना? महीना एक दिन पहले खत्म हो रहा है, मंथ एक दिन पहले खत्म हो रहा है. सिमिलरली जो ईयर है वो यहाँ पे 1 तारीख को शुरू होता है और 31 को ही खत्म हो जाता है, यानी एक दिन पहले खत्म होता है. बात समझ में आती है? अब असेसी क्या कहता है? असेसी ये कहने लगता है, असेसी ये कहता है कि ये बताइए, मैं अगर पैदा हुआ था 1 अप्रैल 1958 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1958 को, तो यहाँ से अगर आप 60 ईयर्स जोड़ें, अगर आप यहाँ से 60 ईयर्स जोड़ें, तो अगर साइंटिफिकली मैथमेटिकली जोड़ें, तो वो आएगा 31 मार्च 2018 को, ठीक है, ये आएगा, सॉरी 2019 को ये आएगा. और ये जो पीरियड है वो पड़ता है प्रीवियस ईयर 1819 में, 1819 में. इट मीन्स मैं प्रीवियस ईयर 1819 में मैं 60 इयर्स का हो गया. बात समझ में आती है? ऐसे ही होता है, मैथ ऐसे ही चलता है, ये मैथ के हिसाब से है. अगर हम मैथमेटिकली 1 अप्रैल 1958 में 60 इयर्स ऐड कर दें, तो वो आता है 31 मार्च 2019, वो डेट आती है जब 60 इयर्स इनके पूरे हो जाएंगे. बात समझ में आती है? अब ये होता है, ठीक है, तो ये 60 इयर्स खत्म होता है 31 मार्च 2018 में. तो इसका मतलब असेसी कहता है ये पड़ता है 1718 जो प्रीवियस ईयर है उसमें, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017 से, और वो एंड होगा, स्टार्ट हुआ था इस डेट पे और एंड होगा किस डेट पे? 31 मार्च 2018 में, ठीक है. इसमें अब ये डेट देख लो, ये कब आ रही है, इस पीरियड में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आंसर इज आ रही है, ठीक है, आ रही है, ये डेट इस पीरियड में आ रही है. अब कहता है असेसी कि जाके लॉ पढ़ लो, वहां लिखा हुआ है एट एनी टाइम, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम. इट मींस मुझे प्रीवियस ईयर 17-18 में ही, मुझे प्रीवियस ईयर 17-18 में ही सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल जाना चाहिए, सीनियर सिटीजन का स्टेटस मिलना चाहिए, और 3 लाख की एग्जेम्पशन मुझे 17-18 में ही दे दी जानी चाहिए, ठीक है. ये बात कौन कहता है? असेसी कहता है. डिपार्टमेंट क्या कहता है? ये कहता है, ये बताओ असेसी, ये बताओ तुम 1 अप्रैल 1958 को पैदा हुए, तो तुम अपना बर्थडे कब मनाते हो? वो कहता है हर साल 1 अप्रैल को मनाते हैं. तो कहता है इस साल कब मनाओगे, ठीक है, इस साल कब मनाओगे? कहता है इस साल भी हम 1 अप्रैल 2018 को मनाएंगे, 2018 को मनाएंगे. असेसिंग ऑफिसर कहता है कि अब देखो ये प्रीवियस ईयर 18-19 में डेट आ रही है, प्रीवियस ईयर 18-19 में डेट आ रही है. इट मींस तुम प्रीवियस ईयर 17-18 में 2.5 लाख का एग्जम्पशन लो, और प्रीवियस ईयर 18-19 में 3 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा तुम्हें. बात समझ में आती है? ये मुकदमा पहुंच गया, कहते हैं ये कौन सा रूल है, ये बर्थडे रूल है. तुम भी बताओ तुम कब पैदा हुए थे, तुम बर्थडे कब मनाते हो, तुम पार्टी मुझे कब बुलाओगे? वो कहता है इसी दिन. तो ये है बर्थडे का रूल. बात समझ में आती है? ये मुकदमा पहुंच गया कहां पे? कोर्ट में, कोर्ट में पहुंच गया. कोर्ट में डिसीजन क्या, सॉरी
माफी चाहता हूँ, ये मुकदमा पहुंचा कोर्ट में नहीं, ये झगड़ा हो रहा था, ये झगड़ा हो रहा था, और ये झगड़े पे व्यू किसने दिया? इस झगड़े पे व्यू दिया हमारा सीबीडीटी ने, सीबीडीटी ने व्यू दिया। क्या व्यू दिया? उन्होंने कहा कि देखिए डिपार्टमेंट के सभी लोग, अगर मैं मानता हूँ कि असैसी यहाँ बदमाशी कर रहा है, जब उसको पार्टी देनी होती है तो वो 1 अप्रैल को बर्थडे मनाता है, लेकिन जब उसको पार्टी नहीं देनी, जब उसको पार्टी देनी होती तब तो वो 1 अप्रैल को बर्थडे मनाता है, ठीक है, लेकिन अब पार्टी नहीं देनी, उसको बेनिफिट लेना है 3 लाख का, 2.5 लाख की जगह 3 लाख की इनकम पे छूट लेना है, तो अब वो बेईमानी करने पर उतर आया है। लेकिन सीबीडीटी ने फिर भी कहा कि देखो साइंटिफिकली कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको ऐसा करने की अनुमति दो, आप उसको ऐसा करने की अनुमति दो। इट मीन्स डिपार्टमेंट को बोला कि डिपार्टमेंट आप चुप रहो, आप इस बात पे आपत्ति मत करो, असैसी जैसा कर रहा है करने दो, उसको पार्टी किसी और दिन देने दो, और उसको एक दिन पहले ही अगर वो अपने आप को सीनियर सिटीजन क्लेम कर रहा है, एक दिन पहले ही अगर क्लेम करने से वो कहाँ पहुँच जा रहा है, कहाँ पहुँच जा रहा है, प्रीवियस ईयर में पहुँच जा रहा है, मतलब पिछले बार इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर में पहुँच जाता है, तो कोई इशू नहीं है, हम उस ईयर में उसको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट दे देंगे। ऐसा करने को किसने कहा? सीबीडीटी ने कहा। अब मैं बताऊं ये क्या था, ये एक प्रकार का क्लैरिफिकेशन था, सर्कुलर था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर्कुलर से क्या, सर्कुलर से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या सर्कुलर से असेसिंग ऑफिसर बाइंडिंग होता है? बिल्कुल, सर्कुलर से डिपार्टमेंट और उसके जितने भी अधिकारी होते हैं वो बाइंड होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये बताइए क्या सर्कुलर से असेसी बाइंड होता है? आंसर इज नो, असेसी बाइंड नहीं होता है। लेकिन ये बताइए कि अगर सर्कुलर असेसी के फेवर में हो तो क्या असेसी उसका मजा ले सकता है? आंसर इज यस, असेसी उसका मजा ले सकता है। ये सर्कुलर असेसी के फेवर में है, वो कभी उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं करेगा, और इस प्रकार से वो कभी उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं करेगा, और इस प्रकार से ये जो डिसीजन, मतलब ये जो सर्कुलर क्लैरिफिकेशन आई है, ये आपका चलती रहेगी। बात समझ में आती है क्या? कुल मिला के इसका क्रक्स क्या था? क्रक्स ये था कि असेसी है एक साइड, एक साइड है असेसी, और एक साइड है आपका डिपार्टमेंट। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बर्थ डेट 1 अप्रैल को है, ठीक है, 1 अप्रैल 1958 को है। ये 60 साल का कब कहा जाएगा? तो ये 60 साल का कहा जाएगा 31 मार्च 2018 को, और इस हिसाब से ये प्रीवियस ईयर 17-18 में ही सीनियर सिटीजन का बेनिफिट ले पाएगा, सीनियर सिटीजन बनकर 3 लाख का मजा ले पाएगा। मैं कहता हूं अगला केस लेते हैं, अगर कोई पर्सन जिसका बर्थडे डेट है 1 अप्रैल 1938 को, तो वो 80 इयर्स का कब होगा? वो होगा 31 मार्च 2018 में, और प्रीवियस ईयर 17-18 में ही वो वेरी सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन का स्टेटस ले पाएगा, और वो 5 लाख के एग्जम्पशन का मजा प्रीवियस ईयर 17-18 में ही ले पाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट का क्या व्यू था इस पे? डिपार्टमेंट का क्या व्यू था? डिपार्टमेंट ने बोला कि आप बर्थडे, अगर 1 अप्रैल को आपका बर्थडे डेट है तो फिर हर साल आप 1 अप्रैल को ही मनाते होगे बर्थडे डेट? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप 1 अप्रैल 1958 को पैदा हुए तो आप अपना 60वां जन्मदिन किस दिन मनाओगे? तो 1 अप्रैल 2018 को मनाओगे, और इस हिसाब से ये प्रीवियस ईयर कब पहुंचेगा? 1819 में पहुंचेगा, यानी आपको अगले साल जाके 3 लाख का मजा मिलेगा। और सिमिलरली अगर किसी पर्सन का जन्मदिन 1 अप्रैल 1938 को हुआ है, तो कहते हैं 80 इयर्स का वो कब होगा बर्थडे रूल से? 1/4/2018 को, यानी प्रीवियस ईयर 18-19 में जाके 5 लाख का आपका मजा मिलेगा। यानी कि बात क्या थी, असेसी कह रहा था 1 साल पहले ही मुझे 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट दो, डिपार्टमेंट कह रहा था नहीं नहीं 1 साल बाद मिलेगा, असेसी कह रहा था साइंटिफिकली कैलकुलेट करो, डिपार्टमेंट कह रहा था कि बर्थडे तुम ही मनाते हो, तुम्ही ने मुझे पार्टी में बुलाया था, तुम्ही ने मुझे ऐसे करके बोला, कमिश्नर साहब अड़ गए, कह कि नहीं आप ही ने तो बुलाया था मुझे पार्टी में उस डेट पे, तो बताओ मैं कैसे मान जाऊं? बात समझ में आती है? यहां पे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, डिपार्टमेंट कुछ व्यू ले रहा है, असेसी कुछ व्यू ले रहा है। यहां पे साफ बता दूं कि असेसी की मंत्रणा में खोट है, लेकिन फिर भी सर्कुलर इशू किया किसने? सीबीडीटी ने, और कहा तथास्तु, जाओ असेसी जो चाहते हो वो कर लो, जैसा तुम चाहते हो वैसा करके चलो, मुझे कोई इशू उस पर नहीं है। ऐसा यहां पर किया गया।
ये बात समझ में आती है, यानी कि साइंटिफिकली कैलकुलेट करके एक दिन पहले मजा लिया जा सकता है। दो छोटी छोटी बातें और, सरचार्ज का क्या करते हैं, जो पैसा सरचार्ज के रूप में लेते हैं, आपने पढ़ा मार्जिन रिलीफ, सरचार्ज का क्या करते हैं, तो उससे नेशनल हाईवे बनाते हैं, उससे नेशनल हाईवे बनाया जाता है, ठीक है ना, नेशनल हाईवे बनाया जाता है, जो हमारी है ना अथॉरिटी NHAI, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो हाईवेज बनाने का काम करती है सरचार्ज के पैसे से। सेस का क्या करते हैं, मैंने बताया था सेस का स्पेसिफिक यूज होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी लग रहा है, तो वो पैसा किस चीज में खर्च किया जाएगा, हेल्थ में और एजुकेशन में। समझ में आती है बात, हेल्थ में और एजुकेशन में। तो ये डिस्कशन छोटा सा था बचा हुआ अपना, वो हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ की क्लास यहीं खत्म करते हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और इसको रिवाइज कर लेना, वैसे मैं एक रिविजनरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसको आप जरूर देख लेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे CA सत्यम त्रिपाठी पे, ठीक है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं रिविजनरी वीडियो। ओके।